ओके मलिक, सो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट चैप्टर टू. ओके, चैप्टर टू को अपन स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर टू का पॉइंट है, ओके, सो पहला सिनेरियो, वी आर स्टार्टिंग विद योर इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट में सबसे पहला क्वेश्चन है, तो एक स्टार्ट टू एंड अपन खत्म कर रहे हैं ऑडिट, पर आई एम स्टार्टिंग विद स्मॉल चैप्टर फर्स्ट. वंस दैट इज कंप्लीट, उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स, उसके बाद कंपनी ऑडिट एंड उसके बाद स्टैंडर्ड्स. ओके, तो पहला पॉइंट अपने लिए आता है इंटरनल ऑडिट में. इंटरनल ऑडिट में पहला पॉइंट है, ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर कंपलसरी कब है. तो सेक्शन 138 के हिसाब से लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी, अनलिस्टेड के लिए चार क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जिसमें से पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ के ऊपर है, टर्नओवर 200 करोड़ के, लोन्स एंड बोरिंग 100 करोड़ एंड डिपॉजिट 25 करोड़. इसमें खाली एक ही था, लोन्स एंड बोरिंग्स शुड बी ग्रेटर देन 100 करोड़. ओके, सेम लॉजिक प्राइवेट कंपनी, ऊपर का ही टर्नओवर, ऊपर का ही क्राइटेरिया लेने, खाली दो ही चीज को क्राइटेरिया लोगे, टर्नओवर एंड लोन्स एंड बोरिंग 200 करोड़ एंड 100 करोड़. ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आया था, इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है. तो अपने डिस्कस किया कौन बनेगा, सीए और सीडब्ल्यूए. कैन एम्प्लॉय बी एन इंटरनल ऑडिटर, यस, लेकिन कौन अपॉइंट करेगा, बीओडी, एंड रिपोर्ट किसको करेगा, बीओडी को. ये होने के बाद अपने पास दो मेन क्वेश्चन है इंटरनल ऑडिट के, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, एक है स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर. हाउ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज देयर, ओके, पांच. सबसे पहले वो क्या करेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करेगा. सेकंड पॉइंट, वो अपने आप को किसमें, अकाउंटिंग में, फंक्शन में नहीं डालेगा. तीसरा, कोई भी एग्जीक्यूटिव रोल में नहीं डालेगा, मैनेजमेंट को, सिस्टम को चेंजेस करने बोलेगा और मैनेजमेंट को फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को अपडेट करेगा, कीप अप टू डेट चेंजेस. नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ओके, रिव्यू 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 रिव्यू. क्या क्या रिव्यू करना, खाली रिव्यू करना है, उसको कुछ डीआई में नहीं डालना है. याद होगा डीआईएम, डी डिजाइन इंप्लीमेंटेशन मेंटेन, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन में नहीं रहेगा, खाली मेंटेन. रिव्यू 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 क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स रिव्यू, ओके, कंप्लायंस रिव्यू, रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिव्यू, ओके, परफेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट रिव्यू क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिव्यू, ओके, ओके, इवन रिसोर्सेस का जो यूटिलाइजेशन होगा उसका बरोबर होगा कि नहीं. एंड लास्ट पॉइंट रिव्यू, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और नॉट. ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट क्या होनी चाहिए. तो ये आपको रट्टा करना पड़ेगा, ओके, स्टैंडर्ड एसआईए 4, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिटर. क्या क्या है, टाइटल, एड्रेस, रिपोर्ट, डिस्क्रिप्शन, लिस्ट किसको दी जाएगी. नेक्स्ट है पीरियड, फिर है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसके अंदर अपन दो ही चीज बोलते हैं, कौन से प्रोसेस किए हैं और प्रोसेस के साथ में कौन सा, ओके, ओके सर, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उस प्रोसेस को डिजाइन करने की, इंप्लीमेंट करने की. और ये होने के बाद ऑब्जेक्ट, जिसमें स्कोप क्या होगा. एंड लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा काम कैसे किया है. तो मैंने स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा है, मैंने अपनी मेथोलॉजी डिफाइन की है और मैंने कुछ पॉपुलेशन और सैंपल पे काम किया. ये होने के बाद इसकी समरी चाहिए, एग्जीक्यूटिव समरी. एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओपिनियंस, फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन. इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ब्रांच का, ओके, जो फाइंडिंग दिया उसका पॉइंट क्या रहना चाहिए, उसके कमेंट्स. तो कमेंट्स आपको चाहिए, कमेंट फ्रॉम लोकल मैनेजमेंट, लोकल मैनेजमेंट मतलब वो लोकल बंदा. एंड लास्ट पॉइंट है उसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट, किसका एक्शन टेकन रिपोर्ट, वो मैनेजमेंट का. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट. ये होने के बाद तेरे पास ये इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बहुत भारी होनी चाहिए. भारी होने के लिए फीचर्स होने चाहिए. फीचर्स कितने होने चाहिए, आठ. पहला फीचर क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी. सेकंड क्या होगा, क्लैरिटी. तीसरा सिनेरियो, एक्यूरेसी. एक्यूरेसी में मैंने आपको बताया था अजम्पशन एंड एप्रोप्रिएटनेस की बात की थी, ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज रीडेबिलिटी, पैराग्राफ वाला पॉइंट था, ओके. तो पहले चार पॉइंट क्या क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिविटी, क्लैरिटी, एक्यूरेसी, रीडेबिलिटी, ये चार चीज हुई. पांचवी चीज इसी के साथ में टाइम लेनर, ओके, रिपोर्ट शुड बी गो ऑन टाइम. एंड नेक्स्ट तीन पॉइंट क्या है ऑडिटर का, मैं फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन दूंगा, मैं रिकमेंडेशन दूंगा, एंड मैं किसका व्यू ध्यान में रखूंगा, ऑडिटिव व्यू. ये होने के बाद ये पार्ट हो गया तेरा चैप्टर टू. चैप्टर टू होने के बाद चैप्टर थ्री. चैप्टर थ्री में अपने लिए ये सेट है, पहला पॉइंट है मैनेजमेंट ऑडिट एंड सेकंड है ऑपरेशनल ऑडिट. एंड लास्ट पॉइंट मैंने बोला सिस्टम्स एंड प्रोसेस के ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, वो सेम सेम लॉजिक, बेसिक लॉजिक है, वो रीड करके अपडेट होता. सबसे पहला, ओके, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट ऑडिट. ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, मैनेजमेंट ऑडिट कैसे स्टार्ट करे. तो सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी होनी चाहिए कि मैनेजमेंट ऑडिट होगा. सेकंड सिनेरियो, लोकेशन होना चाहिए मैनेजमेंट ऑडिट किधर होगा. तीसरा, ये मैनेजमेंट ऑडिट लोकेट करने के बाद, ओके, उसमें कोई तो होना चाहिए, तो एलोकेशन ऑफ पर्सनल, उनको अपडेट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग, उसके पैसे लगेंगे, ओके, टाइम एंड अदर रिसोर्सेज. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, तीन साल के अंदर अंदर वापस करना चाहिए. कंडक्टिंग मैनेजमेंट ऑडिट कैसे कंडक्ट करें, तीन स्टेप्स. पहले क्या करेंगे, इंक्वायरी मतलब इंटरव्यू करेंगे. इंटरव्यू करने के बाद अपन कुछ इन्फॉर्मेशन जमा करेंगे, वो करने के बाद क्वेश्चनर देंगे, क्वेश्चनर के बाद कंक्लूड करेंगे. तीन चीजें होगी, लेकिन ये तीन चीजों में अपने को मैनेजमेंट ऑडिट में दिक्कत आएगी, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम्स. कितने बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, तीन. इसको लगेगा मैं मैनेजमेंट हूं, तो स्टाफ एंड लाइन कॉन्फ्लिक्ट. सेकंड पॉइंट, इसको क्या लगेगा, मैनेजमेंट क्या डालेगा, कंट्रोल. और तीसरा सिनेरियो, मैं कंप्लेंट बॉक्स हो गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, चेंज होगा, इसीलिए क्या होगा, रेजिस्ट टू चेंज. तो तीन चीजें, कौन सी, सबसे पहला
स्टाफ एंड लाइन कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड पॉइंट कंट्रोल एंड रेजिस्ट टू चेंज। इसको ओवरकम कैसे करेंगे? तीन मेथड से। कौन से तीन मेथड है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म, क्रिटिसाइज करेंगे लेकिन बहुत अच्छे से, कंस्ट्रक्टिवली मतलब बताना तेरे को गलती किधर है। सेकंड, इसको फ्रेंडली टोन में करेंगे। मैं पहले वो तीसरा पॉइंट में आ गया, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फ्रेंडली टोन में करेंगे, यानी आई विल बी क्रिटिसाइजिंग बट विदाउट बीइंग क्रिटिकल। ओके, एंड तीसरा पॉइंट, ओके, सबको मिलकर अपन बात करेंगे, पार्टिसिपेटिव अप्रोच, उससे अपन लेंगे भाई क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। और ये होने के बाद अपने लिए आए टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर देयर? फोर। कौन से हैं? ओवरऑल रिपोर्ट्स, इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट्स, रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट्स एंड समरी रिपोर्ट। ओके, मैनेजमेंट ऑडिट एंड हो गया तो कौन सी रिपोर्ट जाएगी? मैनेजमेंट ऑडिट एंड हो गया तो रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट। दो तीन मैनेजमेंट ऑडिट एंड हुए तो समरी रिटर्न रिपोर्ट्स। ये कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। ओके, इसमें से फ्लैश रिपोर्ट कौन सी है? समरी रिटर्न रिपोर्ट्स। एवरी क्लियर? ओके, इंपॉर्टेंट मैटर है, कौन सी रिपोर्ट चाहिए? ओरल। ओके, यार मेरा स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट का, कितना हुआ है? इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट्स। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर मालिक। और ये होने के बाद तेरे पास आया ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट में सबसे पहला डिस्कशन पॉइंट आता है। ऑपरेशनल ऑडिट में दो ही क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, इफ यू रिमेंबर। ओके, ये तो डिफरेंस बिटवीन है, इफ यू रिमेंबर। ओके, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑडिट में डिफरेंस क्या है? पर्पज, एरिया, रिपोर्टिंग एंड एंड टास्क। ओके, पर्पज क्या है? फाइनेंशियल ऑडिट का पर्पज क्या होगा? ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑपरेशनल ऑडिट का इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सर एरिया कौन से होंगे? ओके, आई विल फोकस ओनली ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दे विल फोकस ऑन ऑपरेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग मैं किसको करूंगा? शेयर होल्डर को, और ये क्या करेगा? मैनेजमेंट को। एंड लास्ट पॉइंट, एंड टास्क क्या है? ओके, ऑपरेशन ऑडिट का एंड टास्क है रिकमेंडेशन देना। ओके, फाइनेंशियल ऑडिटर का एंड टास्क रिकमेंडेशन देना नहीं है, ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। बात खत्म। ये होने के बाद अपने लिए और एक इंपॉर्टेंट था इसके साथ में। ओके, दो क्वेश्चन इस पॉइंट में नहीं रहेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव्स है भाई, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिटर। तो दो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स। हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिटर आर देयर? फोर। अप्रेजल, 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 अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अप्रेजल ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। दोनों में फर्क क्या होगा? खाली पहले अप्रेजल जब होते हैं ना, क्राइटेरिया लेट डाउन होते हैं, इवैल्यूएशन में क्राइटेरिया अपने को डिसाइड करना पड़ता है, ये सिनेरियो रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिटर आर देयर? थ्री। फंक्शनल, ओके, ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्पेशल। डिपार्टमेंट का ऑडिट करना है, फंक्शनल क्रॉस डिपार्टमेंट ऑडिट करना है, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन मतलब मत समझना पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, हो सकता है दो डिपार्टमेंट एक साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, दो डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, दो डिपार्टमेंट इफेक्टिव है, एफिशिएंट ही है। ओके, ये बात कर रहे हैं, दैट इज विच ऑडिट? ऑर्गेनाइजेशनल। एंड लास्ट पॉइंट, तेरा ऑडिट आता है दैट इज, ओके, स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट इज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कौन सा ऑडिट एरिया करवाना है, वो स्पेसिफिक एरिया, यानी अगर डिपार्टमेंट नहीं हुआ, डिपार्टमेंट का एक एरिया को फोकस करना है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल ऑडिट। ये होने के बाद तेरे पास काम खत्म होता है, और सिस्टम एंड रिव्यू का मैंने बताया, आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है पीएसयू। पीएसयू अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पीएसयू का मैंने बताया। सबसे पहला क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू, और ये थोड़ा एलडीआर ध्यान रखना है। पीएसयू एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू कितने हैं? एलिमेंट्स है तीन। पार्टीज कौन है? ओके, दूसरा पॉइंट कौन है? सब्जेक्ट मैटर। एंड तीसरा पॉइंट रिपोर्ट। पहला पॉइंट, पार्टीज कितने हैं? तीन। सबसे पहला मैं, ओके, ऑडिटर। सेकंड पॉइंट, जो सब्जेक्ट मैटर बनाता है उसको क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। और तीसरा वो रीड करेगा, ओके, इंटेंडेड यूजर्स। सेकंड पॉइंट अपने लिए आता है, यहां पर सब्जेक्ट मैटर में तीन, सब्जेक्ट मैटर, पॉपी, पीपी, पॉपी बोलो, पीपी, पीपी, पॉलिसी प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? क्राइटेरिया। और कंपेयर करके क्या बनेगा? सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। और रिपोर्टिंग में दो तरह की रिपोर्टिंग है, एश्योरेंस इंगेजमेंट, जिसमें अपन क्या देते हैं? एश्योरेंस, और एक होता है अटेस्ट, सॉरी अटेस्टेशन इंगेजमेंट एंड डायरेक्ट रिपोर्ट। अटेस्टिंग मतलब क्या होगा? ओके, सब्जेक्ट मैटर कौन बनाएगा? रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और मैं उसमें काम करूंगा। ओके, अटेस्टेशन आई विल से सच जस्ट कि सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, और डायरेक्ट रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन मैं खुद बनाऊंगा। ओके, यही डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या था? ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन देना, दैट इज कॉल्ड, ओके, कौन सा? अटेस्टेशन। ओके, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। लेकिन भाई एक वाउचर पे ओपिनियन देना, वाउचर सही हुआ कि नहीं हुआ, ओके, दैट इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग। तो क्राइटेरिया सेट करना मेरा काम रहेगा। एवरीथिंग क्लियर मालिक? और ये होने के बाद तेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसयू ऑडिट। ये आंसर जेनरिक है, तो आप याद रखना दो तरह के प्रिंसिपल है। कौन से दो तरह के प्रिंसिपल है? जनरल एंड स्पेसिफिक टू ऑडिट। जनरल क्या मालूम है कि आपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ध्यान रखो भाई, इंडिपेंडेंस चाहिए, तो 220, अभी अपन बात करते हैं 200, 200, 220, 200, इथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस देखो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट का ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखो। ओके, ऑडिट रिस्क का ध्यान रखो, मटेरियलिटी का ध्यान रखो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखो, टीसीडब्ल्यू के साथ में कम्युनिकेशन का ध्यान रखो। ओके, तो तेरे 200, 230, 320 और 260, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है, ओके, स्पेसिफिक टू ऑडिट। स्पेसिफिक टू ऑडिट कितने होंगे? तीन। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग, एग्जीक्यूशन को नाम क्या दिया इन लोग ने? कंडक्ट। एंड लास्ट पॉइंट है रिपोर्ट। प्लानिंग का क्या ध्यान रहा है भाई? एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव सही हुआ कि नहीं, तो 210। सेकंड पॉइंट आरएपी, आरएमएम ढूंढना है। नेक्स्ट पॉइंट केओसी करना है, और उसके साथ में और दो पॉइंट है, फ्रॉड के चांसेस देखने हैं और साथ में प्लानिंग करनी है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। दूसरा पॉइंट में आपको दिमाग पूरी करना ही नहीं है, ऑडिट डिविडेंस
जमा करना है और कंक्लूजन करना है एंड रिपोर्टिंग में ओके आपको रिपोर्ट करना है और साथ में क्या करना है फॉलो अप में अगर आपको मालूम होगा शायद अभी आप फॉलोअप का रिलेवेंट समझ में आ रहे आपने अभी परसों पढ़ा तो शायद आपको याद होगा सप्लीमेंट्री ऑडिट याद आएगा मालिक ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने के बाद अपन फॉलोअप करते हैं सप्लीमेंट्री ऑडिट में कुछ एडिशनल करवाना होता है तो अपन ये फॉलोअप करते हैं तो क्या ये फॉलोअप करता है उसके बाद आया तेरा टाइप्स ऑफ पीएससी ऑडिट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीएससी ऑडिट आर देयर फाइव कौन से फाइनेंशियल ऑडिट कंप्लायंस ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिट कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एंड प्रोप्राइटी सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल ऑडिट में सबसे पहले दो ही चीज ध्यान रखनी है मैं क्या देता हूं ओपिनियन एंड सेकंड पॉइंट क्या है इसकी वजह से शेयर होल्डर का क्या होता है कॉन्फिडेंस एनहांस होता है मेन पॉइंट कौन सा है कंप्लायंस ऑडिट में तेरे दो एलिमेंट है ओके यहां पर अपन क्या करते हैं दो चीज देखते हैं कंप्लायंस ऑडिट में सब्जेक्ट मैटर और क्राइटेरिया ये कंपैरिजन देखते हैं और इसमें अपन देखते हैं रेगुलरिटी एंड सेकंड पॉइंट क्या देखते हैं प्रोप्राइटरी रेगुलेटरी मतलब क्या कंप्लायंस क्या ये रेगुलरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ में है क्या ओके पहला सीन एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इन्होंने जो खर्च किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ में है लेकिन जो खर्चा किया है वो अपने पैसा जैसे खर्च करते हैं वैसा ही किया क्या लेकिन यहां पर अपन प्रॉपर्टी के सारे एलिमेंट नहीं लेके आते ओके यहां पर खाली प्रॉपर्टी का कौन सा एलिमेंट है अगर बाय चांस आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं प्रॉपर्टी का वही एलिमेंट है अप्रूवल्स बराबर हुए क्या बाकी अपन बाकी कुछ नहीं देखते हैं कौन से ऑडिट में बोल रहा हूँ कंप्लायंस प्रॉपर्टी में अपन बहुत सारी चीजें देखेंगे लेकिन कंप्लायंस ऑडिट में यही होता है ओके नहीं होगा तो देख लेना रीड मारते वक्त ध्यान आएगा मैं वापस बता दूं कंप्लायंस ऑडिट में दो ही चीज देखेंगे कौन सी रेगुलरिटी एंड प्रॉपर्टी में अपन नहीं देखेंगे खर्चा क्यों किया है वो नहीं बात करेंगे जो अप्रूवल्स हुए वो बराबर हुए कि नहीं एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है तेरा परफॉर्मेंस ऑडिट में तीन एरिया तेरे को देखने हैं कौन से इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी ओके ये तीनों के अपने अपने आइटम से ही अपने डिस्कशन किए हुए हैं ओके व्हेन वी डिस्कस अबाउट इकोनॉमी याद रखना कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज एकदम कम होना चाहिए एफिशिएंसी ओके कम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट एंड लास्ट पॉइंट इफेक्टिवनेस इंटेंडेड आउटपुट अपने को मिला कि नहीं मिला और इसके लिए अपने को प्लानिंग करनी पड़ेगी ओके इसलिए और एक क्वेश्चन है प्लानिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट आराम से 8 पॉइंट ये आराम से आंसर याद रखिए ओके 9 पॉइंट सबसे पहले क्या करेंगे एंटिटी को समझेंगे उसके बाद क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप तीसरा सिनेरियो क्या होगा क्राइटेरिया चौथा सिनेरियो क्या होगा अपना ऑडिट अप्रोच के बाद अपन क्या पता करेंगे ओके क्वेश्चनर्स बनाने के क्वेश्चन क्या होने चाहिए और उसके बाद अपन बताएंगे कौन स्किल सेट है कैसा है बंदा क्या नहीं है और वो होने के बाद मैट्रिक्स बनाएंगे ऑडिट मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स के हिसाब से रिसोर्स एलोकेट करेंगे टाइम टेबल देंगे एंड ये टाइम टेबल किसको कम्युनिकेट करेंगे क्लाइंट को ओके दैट इज व्हाट यू आर फोकस ऑन इसमें से अगर आपको याद होगा फर्स्ट वाला पॉइंट आपको रिटेल में आ सकता है थर्ड वाला पॉइंट अपने डिस्कशन किया हुआ है क्राइटेरिया के लिए और फोर्थ वाला पॉइंट रिटेल में आ सकता है तो पहला पॉइंट ओके कैसे समझोगे एंटिटी को मालिक ओके क्योंकि ये पीएससी ऑडिट है तो आपको याद होगा पहले तीन डॉक्यूमेंट पहला पॉइंट डॉक्यूमेंट देखने के दूसरा सिनेरियो लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट देखने के और तीसरा पीपी देखने के और ये तीन होने के बाद तेरे को और एक पॉइंट देखना है एकेडमिक और स्पेशल मतलब जो भी होगा मतलब कैसे याद आ रहा है ओके क्या पॉइंट कॉन्सेप्ट किया जा रहा है दिस इज मोर ऑफ रिसर्च अगर आपको याद है पिछले एक्सपीरियंस पे आप लोगे पास्ट ऑडिट एंड नेक्स्ट पॉइंट है मीडिया कवरेज एंड स्पेशल फोकस मतलब अगर आपको याद नहीं हुआ तो कोई स्पेशल फोकस ग्रुप में इंटरेस्टेड है क्या एनजीओ ये कोई है क्या इंटरेस्टेड उसके हिसाब से आप ये देखिए ओके तो ये आपको एलिमेंट देखना है ये क्या है केओसी फॉर पीओसी और पीएसयू केओसी फॉर PSU तो KOC for PSU आपका वैसा नहीं आएगा इंटरनल एक्सटर्नल ऐसा कुछ नहीं आएगा KOC for PSU आपका इस एलिमेंट में आएगा आत्मा क्लियर है और ये होने के बाद आपके लिए आया ऑब्जेक्टिव स्कोप तो इसमें आपका पॉइंट ऑब्जेक्टिव स्कोप क्लियर कट है EEE इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी इकोनॉमी और ये करने के लिए पीपी चाहिए भाई पर पीपी नहीं हुआ तो ओके मैनुअल देखेंगे मैनुअल्स नहीं हुए तो ओके सिमिलर इंडस्ट्री का देखेंगे सिमिलर इंडस्ट्री नहीं हुआ तो एक्सपर्ट को बुलाएंगे एक्सपर्ट भी नहीं हुआ तो कुछ कैलकुलेशन मारेंगे और कैलकुलेशन से भी नहीं हुआ अपना जजमेंट लगा के क्राइटेरिया सेट करने के लिए और क्राइटेरिया के बेस पे तेरा क्या आएगा ऑडिट अप्रोच तो अगर पॉलिसी प्रोसीजर है तो हम लोग क्या करेंगे उसको एनालिसिस दूसरा अगर कंपैरिजन रहा तो केस स्टडी तीसरा जो उन्होंने डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग यूज करेंगे यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा इसके बाद दो चीज आपके लिए सर्वे करना है और साथ में क्या करना है ओके परफेक्ट और इसके साथ में आपका और एक आएगा ओके व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओके एक सेकंड मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब करते हो जब आपके पास डेटा होता है विदाउट डेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं होता है तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा आ रहा है तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जा सकते हो तो ये पॉइंट आएंगे आपके लिए ऑडिट अप्रोच तो वापस बता दूं ऑडिट अप्रोच क्या क्या है तो सबसे पहले आपका ऑडिट अप्रोच क्या है सबसे पहला क्या यूज करेंगे ओके एनालिसिस ऑफ पीपी सेकंड पॉइंट क्या यूज करेंगे केस स्टडी तीसरा सिनेरियो क्या होगा यूजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा चौथा क्या करेंगे सर्वे एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स आउटकम एंड नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपके लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस एवरीबॉडी क्लियर मालिक वापस चाहिए मुझे 6 पॉइंट बताइए फटाफट सबसे पहला एनालिसिस ऑफ पीपी सेकंड केस स्टडी तीसरा इवैल्यूएटिंग एग्जिस्टिंग यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा चौथा पॉइंट
सर्वे पांचवा पॉइंट ओके रिजल्ट्स इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स एंड लास्ट पॉइंट मैं खुद करूंगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस. इसके बाद वाले पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है. ऑडिट क्वेश्चन इज ओके सो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सेट करने हैं कंजेक्शन सही होना चाहिए. ऑडिट टीम आप प्रोग्राम बनाइए देखिए कौन सी टीम कौन सा काम करेगी कौन सा एरिया काम पकड़ेगी. वो होने के बाद मैट्रिक्स बनाइए. तो मैट्रिक्स में आप दो चीज लिखोगे कलेक्शन कैसे करोगे उसको एनालाइज कैसे करोगे और इसके बाद जो कलेक्शन और रिसोर्सेज है तो टाइमलाइन बताओगे इतने दिन में कलेक्शन करना है क्या करना है आगे पीछे हो सकता है. एंड लास्ट पॉइंट ये चीज किसको कम्युनिकेट करोगे क्लाइंट को क्योंकि क्लाइंट का क्राइटेरिया नहीं है. क्राइटेरिया होता तो ऐसा नहीं होता. क्राइटेरिया होता तो ऐसा नहीं होता. क्राइटेरिया नहीं है. क्राइटेरिया अपन सेट कर रहे हैं इसलिए क्लाइंट को बताना जरूरी है. ये हो गया तेरा प्लानिंग ऑफ विच ऑडिट. कौन सा ऑडिट रे परफॉर्मेंस ऑडिट एवरी क्लियर मालिक. और परफॉर्मेंस ऑडिट के बाद तेरे पास आता है आखिरी ऑडिट कौन सा रे प्रोप्राइटी ऑडिट. प्रोप्राइटी ऑडिट में तेरे पास कितने क्राइटेरिया है चार. सबसे पहला ओके इज मोर देन क्या नहीं होना चाहिए ओके okay, नहीं सॉरी एक ऑडिट बजिया है कॉम्प्रिहेंसिव. लेकिन मैंने आपको बताया कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या होता है इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट ये दोनों कंबाइन करेंगे. इसके अलावा कोई एरिया बच गया वो एरिया ओके स्कैग बोलेगी कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में कवर कर ओके okay, अगर इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट में एरिया सारे कवर है तो फिर खत्म ही हो गया. लेकिन हो सकता है इंटरनल ऑडिट ने सर्टन सैंपल देखे हो ओके या स्टैट्यूटरी ऑडिट ने सैंपल देखे होंगे तो कोई एरिया बच गया तो कौन सा ऑडिट में जाएगा कॉम्प्रेंस. कॉम्प्रेंसिव रिपोर्ट बहुत बड़ा है रे. एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया एनपीवी कैलकुलेशन करना था एनपीवी इंटरनल ऑडिटर ने नहीं चेक किया स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने चेक नहीं किया दोनों के लिए मटेरियल नहीं था ओके इस कॉम्प्रेंसिव ऑडिट में चेक करेंगे. प्रोजेक्ट का है इन्वेंट्री का सर्टन आइटम्स है सर्टन स्मॉल इन्वेंट्री स्टेशनरी स्टेशनरी आप चेक नहीं करोगे स्टेशनरी कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में आ सकता है. दिस इज व्हाट इट कैन हैपन इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट. एंड वन मोर एलिमेंट इज देयर व्हिच ऑडिट प्रोप्राइटरी. प्रोप्राइटरी ऑडिट में चार चीजें चाहिए. सबसे पहले ओके पैसा किससे ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए मोर देन ओकेशन डिमांड. सेकंड पॉइंट जो बंदा जो साइन कर रहा है उसके ओन एडवांटेज के लिए नहीं होना चाहिए एक ग्रुप या एक कम्युनिटी उनके लिए यूज नहीं होना चाहिए. और चौथा सिनेरियो जो भी अग्रीड रेमुनेशन है उसके ऊपर नहीं मिलना चाहिए. इसका मैंने और एक एग्जांपल आपको बताया कि साइनिंग अथॉरिटी है वो जो भी अप्रूव करेगा उसके ऊपर जो भी देगा वो प्रॉपर ऑथराइजेशन से होना चाहिए. दैट्स द ओनली सिनेरियो ओके. ये होने के बाद तेरा अगला चैप्टर आता है दैट इज सीएफएस. सीएफएस का फुल फॉर्म कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सबसे पहला अगर सीएफएस देखूं तो सीएफएस के लिए आपका चार्ट ये रहता है. सबसे पहला एग्जम्पशन. मेरे ख्याल से एग्जम्पशन सबको क्लियर है ओके okay, कौन से केस में सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है तीन ओके okay, पहला शेयर होल्डर को लिख के दे दिया कि हम लोग सीएफएस नहीं बनाने वाले. सेकंड आप लिस्टेड नहीं हो या तो प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में नहीं हो. और तीसरा ओके okay, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी इंटरमीडियरी या आपकी अल्टीमेट होल्डिंग ने क्या कर दिया है सीएफएस बनाया कौन से फ्रेमवर्क में आपके फ्रेमवर्क में. दूसरा क्वेश्चन आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी दो जन की है किसकी किसकी पेरेंट की ओके एंड ऑडिटर की. पेरेंट की ओके एकदम सिंपल है सीएफएस बनाएगा कौन पेरेंट. ये याद रखिए सीएफएस बनाएगा कौन पेरेंट. सेगमेंट रिपोर्ट कौन करेगा पेरेंट ओके कंपोनेंट ढूंढेगा कौन पेरेंट. रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बताएगा कौन पेरेंट. ये चार चीजें हो गई. इसके बाद हार्मोनाइजेशन करेगा कौन पेरेंट. गैप कन्वर्जन करेगा कौन पेरेंट. कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कौन करेगा पेरेंट. स्टोरी ओवर हो जाती है ओके okay, फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके सीएफएस ट्रू एंड फेयर है ये अपने को देखना है. 600 का यूज करना है और 143 ड्यूटीज इफ रिमेंबर वो ड्यूटीज इंक्वायरी याद है ना वो ड्यूटीज वो सारी ड्यूटीज का रिपोर्टिंग इसमें रहेगा. दैट्स इट. ये हो गया तेरा सीएफएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्या पेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर. ऑडिट फीचर्स ऑफ सीएफएस मैंने बोला छोड़ दो. क्यों छोड़ दो लॉजिक सिंपल है उसमें दो ही है. सबसे पहले भाई यार पेरेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई. इसके बाद आता है तेरा मेन क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. प्लानिंग ऑफ सीएफएस कैसे करेगा 300 के हिसाब से नहीं लिखेगा. प्लानिंग ऑफ सीएफएस आया तो तेरे को पांच स्टेप लिखने होंगे. सबसे पहले एंटिटी वाइड कंट्रोल समझेगा याद है मालिक. सेकंड पॉइंट उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी समझेगा किसकी पेरेंट की और कंपोनेंट की. तीसरा सिनेरियो है नेचर टाइमिंग एक्सटेंड इससे समझ में आएगा. चौथा सिनेरियो 600 का यूज करेगा. एंड लास्ट पॉइंट क्या करेगा कोऑर्डिनेशन. आत्मा क्लियर है. और ये होने के बाद तेरे पास आया नेक्स्ट पॉइंट कंपोनेंट्स. अगर कंपोनेंट को ऑडिट करने बोलूंगा तो तीन चीजें देखेगा. सबसे पहले क्या इन्होंने कंपोनेंट को पूरा इंक्लूड किया है कोई कंपोनेंट एक्सक्लूड किया है और कोई कंपोनेंट का स्टेटस चेंज हुआ है क्या यानी जेवी से कुछ और हुआ है होल्डिंग से मतलब सब्सिडी थी पूरी होली ओन्ड हो गई है या सब्सिडी से छोड़ दिया है ये स्टेटस तेरे को चेक करना होगा ओके. और यहां पर कंपोनेंट चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखना है तेरे को अगला क्वेश्चन क्या है कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट. तो सर कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट देखने के लिए क्या देखना है सबसे पहले पॉइंट वर्किंग पेपर चेक कर ले जो मैनेजमेंट से ले. उनके पीपी देख इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है. मैनेजमेंट की इंक्वायरी कर ये पहले तीन पॉइंट हुए. उसके बाद तीन चीजें चेक कर इन्वेस्टमेंट चेक कर जॉइंट वेंचर चेक कर और साथ में स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड चेक और कुछ अदर अरेंजमेंट है वो चेक कर. एंड लास्ट पॉइंट रजिस्टर शेयर होल्डर रजिस्टर चेक कर कि उसमें शेयर होल्डिंग में चेंजेस है या नहीं है ओके okay, ये क्या क्या के लिए था आठ पॉइंट कंपोनेंट्स के कंप्लीटनेस. अगर मैंने तेरे को बोला कंपोनेंट्स का ऑडिट करना है तो तीन चीजें लिस्टिंग एक्सक्लूजन एंड स्टेटस. मैंने बोला कंपोनेंट्स का कंप्लीटनेस चेक करना है तो ये वाला पॉइंट
ये याद रखना। ओके वापस आते हैं, 8 पॉइंट कौन से कौन से? पहले पहले तीन क्या करेगा, वर्किंग पेपर देखेगा, पीपी चेक करेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और मैनेजमेंट से इंक्वायरी करे। इधर तक क्लियर है? नेक्स्ट 3 पॉइंट, डॉक्यूमेंट चेक करना है। तो सबसे पहले क्या देखेगा, रजिस्टर, रजिस्टर नहीं, पहला इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखता है, सेकंड पॉइंट जेवी चेक करता है, तीसरा सिनेरियो ओके स्टडी रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट पॉइंट अदर अरेंजमेंट कुछ है क्या, एंड लास्ट पॉइंट शेयर होल्डिंग में कुछ चेंजेस है क्या। पक्का क्लियर है? ओके इसके बाद अपने को और एक देखना होगा, दैट इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच आर एप्लीकेबल। तो ये आपको रटना पड़ेगा, इसके बाद दिमाग थोड़ी ज्यादा नहीं करते। 110 तेरे को देखना होगा, 103 103 110 28 और 111। ओके ये लिखने का तरीका जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखना, मॉड्यूल ने जैसे दिया हुआ है। ओके इसके आपको ये स्ट्रक्चर है, यानी ऐसा है 110 दो बार आ रहा है, लेकिन एक है, एक में लिखा है लाइन बाय लाइन और एक में लिखा है इंट्रा, तो आपको स्टेटमेंट वैसे ही रखने पड़ेंगे। आत्मा क्लियर है? और ये खत्म होने के बाद तेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, एडजस्टमेंट। कितने तरह के एडजस्टमेंट होते रहे? दो। कौन से? परमानेंट एंड करंट। गड़बड़ मत करना, परमानेंट में तो अपने को कोई इशू नहीं है। कितने परमानेंट है? दो। पहला परमानेंट ओके गुडविल और कैपिटल रिजर्व, और दूसरा माइनॉरिटी। ये वन टाइम एंट्री हो गई, खत्म हो गया। फर्स्ट जब एक्विजिशन आया तब अपने कर लिया, अब एक बार एक्विजिशन मतलब क्या, होल्डिंग आया, होल्डिंग हो गया तो खत्म है। ओके अब इसके बाद अपने को देखना होगा किसके लिए, करंट। करंट में अपन दो चीज चेकेंगे, एक तो पेरेंट के प्रोसीजर और एक है ऑडिटर के प्रोसीजर। तो पेरेंट के प्रोसीजर थोड़े से बड़े हैं, कुछ नहीं है रे, इंट्रा 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 इंटरेस्ट निकाल, इंट्रा इंडेबटनेस निकाल, इंट्रा प्रॉफिट और लॉस ऑन एसेट्स वो निकाल। उसकी वजह से क्या हुआ, डिफर्ड टैक्स। हार्मोनाइजेशन तू कर, गैप कन्वर्जन तू कर, सब्सिक्वेंट इवेंट्स किसके कंपोनेंट्स के तू कंसिडर कर, और उसके बाद है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एंड लास्ट पॉइंट और एक है ओके कुछ तो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन कुछ हुएंगे, जैसे कंपोनेंट ने कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन एंटर किया, उसके डिस्क्लोजर क्या करने हैं। ओके दैट इज व्हाट यू कम इनटू पिक्चर। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑडिटर, ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन ऑल एरियाज, ये सारे एरियाज हो गए लेकिन कंबाइन आंसर होगा। तो ऑडिटर के आंसर में क्या क्या होगा, सबसे पहले इंट्रा एक बार में खत्म कर देगा, सेकंड सीएफएस बरोबर बना है या नहीं है, तीसरा एडिक्वेट डिस्क्लोजर यानी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन के रिलेटेड है, नेक्स्ट पॉइंट अपने लिए क्या हुआ है, हार्मोनाइजेशन बरोबर हुआ है कि नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है ओके एंड लास्ट पॉइंट इज डिफर्ड टैक्स। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, ये पॉइंट तेरे काम खत्म हो जाता है। और ये होने के बाद तेरे मेरे ख्याल से ये चैप्टर का तो तेरा लास्ट पोर्शन है जो सबको आता चाहिए। ओके अगर मैं ही कंपोनेंट के ऑडिटर हूँ, ओके ट्रू एंड फेयर सीएफएस पेपर, ओके मैं कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं हूँ तो क्या होगा, 600। ओके मैं कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं हूँ लेकिन कंपोनेंट का फ्रेमवर्क और वो अपने क्लाइंट का फ्रेमवर्क, अपना जो प्रिंसिपल है उनका फ्रेमवर्क, ओके जो होल्डिंग है उसका फ्रेमवर्क, दोनों का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग अलग है, तो अपने पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ओके होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करेगी, और एडजस्टमेंट को मैं क्या करूंगा, ऑडिट करूंगा और उसके बाद गो अहेड करूंगा, आइदर दिस वन। और दूसरा ओके उनको बोलेंगे फ्रेमवर्क चेंज कर, ऑडिट कर, एंड देन आई विल डू विद 600। ओके ये हो सकता है। चौथा पॉइंट क्या था, ऑडिटिंग फ्रेमवर्क, इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है, ओके बोलो वापस अपने ऑडिटिंग फ्रेमवर्क में ऑडिट करें। एंड पांचवा अगर कंपोनेंट अनऑडिटेड है, ओके बाई 705 किस बेसिस पे, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आत्मा क्लियर है मालिक? ओके इसके बाद अभी पीयर रिव्यू पे आ जाइए आप। ओके पीयर रिव्यू वाला ही चैप्टर नाम अगला। ओके पीयर रिव्यू वाले पॉइंट पे आ जाइए। पीयर रिव्यू कौन सा चैप्टर का पेज नंबर 154। पीयर रिव्यू पे आगे मालिक। ओके पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन आपका 155 पेज से चालू रहा है। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू, तो दो ही चीज है, टीपीई से कंप्लाई किया गया, एंड सेकंड सिस्टम एंड प्लेस में है जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहा है वो क्वालिटी कंट्रोल अचीव कर रहे हैं। पर ये आंसर मेरे के लिए मैटर नहीं करता, दो आंसर मैटर करते हैं, स्कोप एंड आउट ऑफ स्कोप। पहला पॉइंट स्कोप कितने होंगे, 6। सबसे पहले टीपीई कंप्लाई किया गया, सेकंड क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, तीसरा सिस्टम एंड प्रोसीजर, चौथा सिनेरियो एडिशनल पॉइंट तेरे को ध्यान रखना होगा क्या रहेगा, चौथा पॉइंट ट्रेनिंग बरोबर मिला क्या, एंड नेक्स्ट पॉइंट कंप्लायंस कंप्लायंस। ओके पांचवा पॉइंट कंप्लायंस क्या है, मेंबर की वजह से कंप्लायंस, एंड लास्ट पॉइंट कंप्लायंस विद आर्टिकल्स। ये होने के बाद तेरे पास है आउट ऑफ स्कोप। मैंने बताया आउट ऑफ स्कोप क्या है, आउट ऑफ स्कोप पीयर रिव्यू से नहीं है, आउट ऑफ स्कोप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। पीयर रिव्यू में एश्योरेंस एंगेजमेंट इज इन स्कोप, और एश्योरेंस में अपन 6 पॉइंट देखेंगे, और आउट ऑफ स्कोप में एश्योरेंस में क्या क्या नहीं आएगा वो डिस्कशन में आया। तो क्या क्या नहीं आएगा भाई, टैक्स टैक्स अगर याद है तो, कंपाइलेशन कंपाइलेशन, टैक्स में क्या था, टैक्स अथॉरिटी के पास जाना, टैक्स रिटर्न फाइल करना, ये पॉइंट पे नहीं आएगा। उसके बाद कंपाइलेशन ऑफ एफआई, कंपाइलेशन ऑफ अदर देन एफआई, नेक्स्ट दो पॉइंट और एक थे, एक्सपर्ट ओपिनियन देना, एक्सपर्ट विटनेस करना, और लास्ट दो पॉइंट है मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विस देना या ड्यू डिलिजेंस, ये इस कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। एवरी क्लियर मालिक? ये किस में नहीं आएगा, आउट ऑफ स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू नहीं है, आउट ऑफ स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू क्या है, एश्योरेंस नहीं है, और एश्योरेंस में क्या करनी है ये लिखा हुआ है। और टीपी अगर मैंने बोला तो टीपी में क्या क्या आता है, 4 चीजें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड अदर पॉइंट, फ्रेमवर्क, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट तेरे लिए आ जाता है लॉज एंड रेगुलेशन विच आर एप्लीकेबल। एवरी क्लियर मालिक? और ये होने के बाद तेरे पास आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू। हाउ मेनी एप्लीकेबिलिटी आर देयर, 3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 का रिव्यू कब होगा,
वंस इन थ्री, लेवल टू का वंस इन फोर, और लेवल थ्री का वंस इन फाइव. लेवल वन के लिए अगर आपको याद होगा तो ये चार्ट अपन ने देखा था. ओके, पहला लेवल वन में सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट है, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट है. और सेकंड क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिट. सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट में किसका किसका आता है? बैंक, पीएफआई, इंश्योरेंस, उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन कौन सी? सेंट्रल. एंड ऑडिट है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. बैंक में सारे आते हैं, कौन से? प्राइवेट, पब्लिक, ओके, कोऑपरेटिव एंड फॉरेन बैंक्स. क्लियर है मालिक? बैंक वापस आते हैं, क्या क्या है? बैंक, इंश्योरेंस, पीएफआई. पहले तीन ही याद रख ले, बैंक, इंश्योरेंस, पीएफआई. उसके बाद और दो आते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पीएसयू. एवरीडी क्लियर? और ये होने के बाद ये कौन से ऑडिट है? सेंट्रल स्टैट ऑडिट. और दूसरा ऑडिट है स्टैट्री ऑडिट. कौन से? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, लिस्टेड. ओके, जो लिस्टेड है और अगर लिस्टेड नहीं है, पब्लिक से पैसा उठाया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उठाया, ओके से कितना? 50 करोड़. आगे सब 50 करोड़ वाला है. डोनेशन लिया कितना? 50 करोड़. ओके, नेटवर्थ आपका कितना है? 500 करोड़. और गवर्नमेंट से पैसा लिया 50 करोड़. तो 50 करोड़, 50 करोड़, किससे किससे पैसा लिया 50 करोड़? पब्लिक से लिया, बैंक से लिया, एफआई से लिया. ओके, ये वाला पॉइंट है. दूसरा सिनारियो आपका डोनेशन लिया और या तो गवर्नमेंट से लिया, गवर्नमेंट से लिया, 350 करोड़ है. और लास्ट पॉइंट है नेटवर्थ कितना है? 500 करोड़. एवरी क्लियर मालिक? और ये हो गया तेरे लिए लेवल वन. लेवल टू में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लेवल टू में अपने को क्या दिया था? ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, ओके, टैक्स ऑडिट और डिपार्टमेंट रिव्यू. यहां पर दो ही थे अगर याद है, उस दिन मैंने तो गड़बड़ किया था, पर बैंक एंड इंश्योरेंस. और उसके बाद है तेरे पास स्टैट्यूटरी ऑडिट है, किसका किसका? आरआरबी. ओके, दूसरा पॉइंट है एनबीएफसी, तीसरा है नेटवर्थ जिसका 5 करोड़ के ऊपर है, 5 करोड़ के ऊपर है. एंड लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है, और एक टर्नओवर कितना है? 50 करोड़ के ऊपर. ये लेवल टू. और लेवल थ्री में आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. तो लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री. लेवल वन क्या क्या था? सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट. बता सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या क्या था? ओके, पहला बैंक, इंश्योरेंस, पीएफआई. बैंक, इंश्योरेंस, पीएफआई. उसके बाद है सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी. एंड लास्ट पॉइंट है पीएसयू. कहानी खत्म. उसके बाद है स्टैट्यूटरी ऑडिटर. किसके किसके? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड, ओके, लिस्टेड, 50 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़. ओके, पब्लिक से पैसा उठाया, और ये है, और ये, और गवर्नमेंट से, एंड 500 करोड़ नेटवर्थ वाला. एवरी क्लियर? लेवल टू, ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, जो भी ऑडिट है, और रिव्यू भी है, तो बैंक और इंश्योरेंस. इसके अलावा दूसरा सिनारियो क्या है तुम्हारे पास? स्टैट्यूटरी ऑडिट. किसका? आरआरबी, एनबीएफसी एंड दो और. नेटवर्थ 5 करोड़ के ऊपर, टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर. भेजे मैं क्या मालिक? ये तेरे को लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री है. ये होने के बाद तेरे पास आया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीयर रिव्यू बोर्ड. बोर्ड के ऊपर अपने मैं बोला आपको एमसीक्यू ध्यान रखना है. ओके, यहां पर 12 मेंबर होने चाहिए, 50%, ओके, सेंट्रल मेंबर होने चाहिए, और बाकी आउटसाइडर. ओके, एटलीस्ट 50% बोला है, याद रखना. और इनका मैक्सिमम पॉइंट जो भी डिफाइन किया हुआ है वो अपने लिए डिफाइन किया हुआ है. ओके, स्ट्रक्चर वाइज क्या है? कैजुअल वैकेंसी हुई तो वापस ये लोग सिलेक्ट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट में. ओके, लेकिन ये किसके लिए था? एमसीक्यू, नॉट विद क्वेश्चन आंसर. रिव्यूअर अपने लिए इंपॉर्टेंट है. रिव्यूअर क्वेश्चन आंसर के पॉइंट पे, कितने साल की प्रैक्टिस? 10 साल. अभी भी करंटली क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस. उसने ट्रेनिंग का अंडरगो करना चाहिए, डिक्लेरेशन साइन करना चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. और अगर तेरे को 11-1 का रिव्यू चाहिए तो 7 साल का एक्सपीरियंस. लेकिन साथ में तेरे को और एक डिक्लेरेशन देने पड़ेंगे, तेरे अगेंस्ट कोई पेंडिंग केसेस नहीं है, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है. ओके, कोई भी, परफेक्ट. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट तेरे पास क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. एवरीडी क्लियर मालिक? ओके, तो तीसरा पॉइंट, कन्विक्टेड नहीं है कोर्ट से, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये चारों चीज नहीं है. यानी अगर रिव्यूअर का मैंने क्वालिफिकेशन पूछा तो ये प्लस ये. एवरीडी क्लियर? कैन ही टेक ए क्वालिफाइड असिस्टेंस? यस. कितने लेके चल सकता है? एक. और वो एक कौन होना चाहिए? ओके, उसी का एम्प्लॉई. ओके, एम्प्लॉई या पार्टनर जो भी रहेगा उसी के फर्म में होना चाहिए. और वो कितने साल से काम करना चाहिए? 1 साल वो फर्म में होना चाहिए. और ये होने के बाद तेरे पास आया, अब आया अपने लिए, अगर आप देखोगे तो ये मैंने चार्ट बनाया हुआ था, लेकिन अभी आया अपन पीयर रिव्यू प्रोसेस. प्रोसेस में कितने पार्ट है? 4. क्या करना है? पहले सिलेक्शन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्ट. तो मैंने आपको बताया सिलेक्शन और प्लानिंग, सिलेक्शन और प्लानिंग ये दोनों मैंने एक इसमें किया है, एग्जीक्यूशन दूसरे चार्ट में किया है, और एंड मैंने तीसरे चार्ट में किया है. तो पहला चार्ट आपको मिलेगा सिलेक्शन एंड प्लानिंग का. तो सबसे पहले मेरे को बताओ कौन किसको बोलेगा? पीआरबी विल टॉल टू प्रैक्टिस यूनिट. ओके, इसके तू रिव्यू में आने वाला है. प्रैक्टिस यूनिट 7 दिन में. ओके, चॉइस 3 दिए थे ना, 3 में से एक बोलेगा. फिर पीयर रिव्यू बोर्ड वो रिव्यूअर को बोलेगा ओके सिलेक्टेड, और रिव्यूअर कंसेंट देगा कितने दिन में? 7. और पीयर रिव्यू बोर्ड इंटीमेट करेगा. ये हो गया तेरा सिलेक्शन.
प्लानिंग, प्लानिंग में आपने क्या बोला सबसे पहले, ओके विद इन 15 डेज, ओके कौन किसको इंफॉर्मेशन देगा, प्रैक्टिस यूनिट टू, ओके रिव्यूअर क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, चार चीजें अगर याद है तो, क्वेश्चन जो दिया था वो दे, ओके कौन से सर्विसेज दे रहा है वो दे, तेरे पॉलिसी प्रोसीजर दे और तेरे अगेंस्ट कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है वो दे। और इसके बाद अगर रिव्यूअर को लगा अगले 15 दिन में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मंगानी है मंगा सकता है। और इसके साथ में अपने बात किया था, ओके वो ऑन साइट रिव्यू करेगा 15 दिन के समय, टाइम गैप देगा 15 दिन का, ऐसा नहीं कल आएगा मैं सीधा, 15 दिन का देगा, तुम प्रिपेयर करो, 15 दिन का ऑन साइट रिव्यू होगा। ऑन साइट रिव्यू मैक्सिमम कितने दिन के लिए होगा, 7 दिन, ओके 15 दिन नहीं 7 दिन, 15 दिन पहले नोटिस दूंगा। ऑन साइट रिव्यू इज ओनली 7 डेज। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब अपन रिव्यू कंप्लीट करेंगे, टोटल रिव्यू कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, 90। अभी आप कैलकुलेशन कर लो कैसे क्या करना है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। यहां तक ये दूसरा स्टेप क्या बताया मैंने, अगर आपको याद है तो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। अगर अलग अलग क्वेश्चन आया तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, एक है सिलेक्शन का पॉइंट, एक है प्लानिंग का पॉइंट। अब आया एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मेरे ख्याल से ध्यान होना चाहिए, बहुत ईजी है। सबसे पहले ऑन साइट विजिट करेगा, ऑन साइट विजिट कहां पर करेगा, एचओ में कर या ब्रांच में कर, कोई कंपल्शन नहीं है, ओके। ऑन साइट रिव्यू कितने दिन में खत्म करना है, पक्का क्लियर है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिव्यूअर, ओके प्रैक्टिस यूनिट को क्या बोलेगा, सबसे पहले क्या चेक करेगा, जनरल कंट्रोल। और जनरल कंट्रोल के हिसाब से मालूम पड़ेगा इसको कि आगे कितना चेक करना है। तो जनरल कंट्रोल कौन से चेक कर रहा है, 5, कौन से, इंडिपेंडेंस का चेक करेगा, प्रोफेशनल स्किल्स का चेक करेगा, कंसल्टेशन का करेगा, स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन का करेगा, एंड लास्ट पॉइंट है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टाफ को रिक्रूट कैसे करते हो ये भी सब देखेगा और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बेसिस पे इसको समझेगा कि ओके एग्जांपल 10 इंश्योरेंस एंगेजमेंट है, ओके उसमें से 10 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, अज्यूम करते हैं 2 सिलेक्ट करने हैं, उसने कहते बोले 2, लेकिन 10 में से 2 कौन से, तो ये 2 के लिए क्राइटेरिया क्या है, तो सिलेक्शन ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट के क्राइटेरिया क्या है, तुम समझे, 10 में से 2 सिलेक्ट करूं 4 करूं, ये क्या बेसिस पे होगा, जनरल कंट्रोल्स, ओके 10 में से 2 सिलेक्ट करूं या 4 करूं, जनरल कंट्रोल्स, लेकिन वो 2 कौन से, 10 नाम दिए 2 कौन से, तो इसके लिए आपके पॉइंट है। तो इसमें क्या रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल, साइज एंड नेचर, मेथोडोलॉजी, वापस बोल रहा हूं क्या क्या है, क्वालिटी कंट्रोल, तुम्हारे क्वालिटी कंट्रोल कैसे है, साइज एंड नेचर ऑफ वो कंपनी कैसी है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेथोडोलॉजी कैसी है, किस कंपनी में 100% ऑडिट किया, किस कंपनी में रिस्क बेस्ड ऑडिट किया तुमने, उस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड मेंबर्स कितने हैं, उसके बाद है नंबर ऑफ लोकेशन ऑफ प्रैक्टिस यूनिट, एंड लास्ट पॉइंट है ओके फीस। अगर आप देखोगे पहले 3 इज अबाउट ओके क्लाइंट एंड नेक्स्ट 3 इज अबाउट फर्म, ये 3 पॉइंट याद रखना। पहले 3 अपन क्लाइंट के बारे में सोचेंगे, क्वालिटी कंट्रोल जब अपन रिपोर्ट करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल क्या होगा, क्लाइंट का नेचर ऑफ सर्वे, नेचर क्या है बिजनेस का। तीसरा सिनेरियो क्लाइंट के ऑडिट करने की मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट 3 अपने पास क्या है, मेरे मेंबर्स कितने हैं, मेरे पार्टनर्स कितने हैं। दूसरा पॉइंट मेरे लोकेशन कितने हैं और मेरी फीस चार्ज कितनी है, एवरी क्लियर मालिक। और ये होने के बाद तेरे पास है रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, तेरे को 2 ही चीज करनी है रे मेरे भाई, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव। और कंप्लायंस में तू क्या चेक करेगा, टीपीई, टीपीई का फुल फॉर्म टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, ये कंप्लाई किया, अगर ये कंप्लाई किए हुए वापस मैं बोल रहा हूं गड़बड़ करना, ओके जनरल कंट्रोल चेक करने थे तो सारे की है, वो जो कंप्लायंस रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स कर रहा है वो कितने के लिए कर रहा है, खाली 2 के लिए, वो 2 के लिए। और 2 को सिलेक्ट कैसे किया तूने, 2 को कैसे सिलेक्ट किया, सिलेक्शन से। और वो 2 के लिए क्या करेगा, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव। 2 को सिलेक्ट कैसे करना, अब 2 ही क्यों सिलेक्ट किया, जनरल कंट्रोल्स, 2 में से कौन से सिलेक्ट, 2 10 में से कौन से 2, सेकंड पॉइंट। और वो 2 को काम क्या करना है, ओके कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव, ये पॉइंट रहेगा। आत्मा समझ में आया, और ये करने के बाद तेरा रिपोर्ट है, मेरे ख्याल से रिपोर्ट में तो मेरे को समझाने का पॉइंट आता ही नहीं कभी, रिपोर्ट इज वन ऑफ द इजीएस्ट। सबसे पहले रिपोर्ट रिव्यूअर किसको देगा, ओके प्रैक्टिस यूनिट, प्रैक्टिस यूनिट उसके क्या देगा, कमेंट, कमेंट देगा, कितने दिन में कमेंट देगा वो, ओके 15 दिन है, 15 दिन के बाद, उसके बाद रिव्यूअर को लगा कि रिपोर्ट मॉडिफाइड नहीं है, अनमॉडिफाइड है, वो बोर्ड को देगा, और बोर्ड क्या देगा, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। लेकिन अगर उसको लगा मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाइड रिपोर्ट किसको देगा, बोर्ड को, और बोर्ड क्या करेगा, ओके फॉलो अप रिव्यू बोलेगा, कितने में, 1 ईयर, और कम करना रहा तो 6 मंथ, टाइम देना जरूरी है। आत्मा समझ में आया, यहां पर तेरा पीयर रिव्यू खत्म हो जाता, पीयर रिव्यू होने के बाद तेरे पास आता है क्वालिटी रिव्यू। आत्मा क्लियर है, दिस एप्लीकेबल ओनली फॉर विच सिलेबस, न्यू सिलेबस, तो क्वालिटी रिव्यू इज नॉट एप्लीकेबल टू ओल्ड सिलेबस, तो ओल्ड सिलेबस के लिए नहीं है क्वालिटी रिव्यू। एक बार फटाफट मार देते हैं, क्वालिटी रिव्यू छोटा सा पार्ट है अगेन। सबसे पहला ओके क्वालिटी रिव्यू में ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करेगा नहीं, एंड लास्ट पॉइंट ओके क्वालिटी रिव्यू का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ओके वो चेक करना है। इस केस में स्कोप मेन है, एंगेजमेंट पार्टनर को कवर करेंगे, वो टीपीई कंप्लाई कर रहे कि नहीं। सेकंड सिनेरियो अपन क्या देखेंगे, कंप्लायंस विद ओके लॉज एंड रेगुलेशंस, एंड तीसरा पॉइंट SQC 1। ये 100% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आता, इसका मेन पॉइंट आता है जो आता है तेरा अगला पॉइंट QRB। QRB में से पहला पॉइंट मैंने आपको बताया MCQ के लिए है,
कितने मेंबर रहेंगे? 10। ओके, पांच कौन सिलेक्ट करेगा? सीजी। और पांच कौन करेगा? अपना आईसीए। ये होने के बाद तेरे फंक्शंस क्या होंगे? फंक्शंस देख ले, यानी ये याद रखना, ये आईसीए में भी घुसते हैं, आईसीए में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या होंगे? तीन फंक्शन है। पहला क्या है? क्वालिटी ऑफ सर्विस, किसने? मेंबर। इसलिए वो क्या करेंगे? रिकमेंडेशन टू काउंसिल, और गाइड करेंगे किसको? मेंबर्स। तो ये क्या है? फंक्शंस, उसके काम। फंक्शन कर लेंगे, उनको पावर लगेंगे ना। ओके, नहीं तो फंक्शन कैसे कर पाएंगे? तो पावर क्या क्या है? इसीलिए पहला क्वालिटी ऑफ वर्क मेंबर का इवेल्युएट कर सकते हैं। दूसरा देना, वापस बोल रहा हूं, पावर्स, पावर्स कितने रहेंगे? पांच। फंक्शन कितने हैं? तीन। फंक्शन कितने हैं? तीन। पावर्स कितने हैं? पांच। पांच कौन से कौन से? इवेल्युएट क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ मेंबर। सेकंड क्राइटेरिया लेट डाउन करते हैं, ऐसे ऐसे काम होना चाहिए। तीसरा सिनेरियो, ये लोग क्या कर सकते हैं? कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, किससे? काउंसिल से भी, मेंबर से। बाहर वाले को लगा सकते हैं तेरे पास टेक्निकल रिव्यू के लिए, एक्सपर्ट। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं किसको? काउंसिल को। तो मेरे वापस आ रहा है, फंक्शंस क्या है? तीन। फंक्शंस क्या है? तीन। पावर्स कितने हैं? पांच। तीन फंक्शन कौन से? पहला फंक्शन है मेंबर्स का रिव्यू चेक, मतलब रिव्यू करना। दूसरा फंक्शन क्या है? काउंसिल को रिकमेंडेशन देना, और तीसरा मेंबर को गाइड करना। ये तीन करने के लिए पावर्स कितने हैं? पांच। सबसे पहला पावर क्या है? क्वालिटी ऑफ वर्क इवेल्युएट करूंगा। सेकंड पावर क्या है? ओके, परफेक्ट क्राइटेरिया सेट करूंगा, ये क्वालिटी है कि नहीं है। ओके, यानी एसक्यूसी वन ही फॉलो करूंगा, ऐसा नहीं है। क्राइटेरिया दे के नाउ सेट देयर ओन। तीसरा सिनेरियो, ओके, पास काउंसिल और मेंबर दोनों से इंफॉर्मेशन मंगा सकता हूं। चौथा, एक्सपर्ट को बुला सकता हूं। एंड पांचवा सिनेरियो, ओके, रिकमेंडेशन टू काउंसिल। ओके, क्या करना है? प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर इसको लेना है कि नहीं लेना, ये पॉइंट रहेगा। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एलडीआर क्वेश्चन याद रखिए, सिलेक्शन ऑफ क्यूआरबी। ओके, ये पीयर रिव्यू जैसा नहीं है, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री नहीं है, ये बेस्ड ऑन सस्पिशियस। सबसे पहला, ओके, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा? सुओ मोटो। दूसरा पॉइंट क्या होगा? सस्पेक्टेबल रिस्क। तीसरा क्या चांस है? फ्रॉड। चौथा किसने बोला? रेगुलेटरी। पांचवा सिनेरियो, मीडिया अटेंशन है। एंड लास्ट पॉइंट, कोई रेफरेंस आया किसी पॉइंट से। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, तो क्या क्राइटेरिया है? छह। सबसे पहले खुद की मर्जी से, ये कौन है, कौन कर रहा है? क्यूआरबी। क्यूआरबी का फुल फॉर्म क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड खुद करना चाहता है। तो सबसे पहले सुओ मोटो, दूसरा पॉइंट सस्पेक्टेबल रिस्क, तीसरा सिनेरियो फ्रॉड हुआ, चौथा सिनेरियो रिकमेंडेशन किससे आया? लॉज, कोई भी एक पर्टिकुलर उनसे आया। नेक्स्ट पॉइंट, उनका सस्पिशियस है कि भाई आरओसी ने बोला नॉन कंप्लायंस हो रहा है, चेक करो। ओके, वो लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मीडिया। एंड लास्ट पॉइंट रिकमेंडेशन आया है, कोई एक रेगुलेटरी बॉडी अथॉरिटी है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया हुआ है। एवरी क्लियर मालिक? ये होने के बाद तेरे पास आया दो मेन क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस एंड स्टेप वाइज क्वालिटी रिव्यू। ओके, तो पहले बात करते हैं, मेरे ख्याल से पहला पॉइंट पक्का क्लियर है सिलेक्शन तक। एवरीबॉडी, ओके, क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस में आते हैं। क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस याद रखना, चार मसाला बड़ा बड़ा है। सबसे पहला क्या होगा? क्यूआरबी नहीं जाता काम करने, क्यूआरबी क्यूआरजी बनाता है। व्हाट इज क्यूआरजी? क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। और दो तरह के ग्रुप होंगे, जनरल होगा एंड स्पेसिफिक होगा। जेनरिक कौन से के लिए? एनी बिजनेस। स्पेसिफिक मतलब बैंक, इंश्योरेंस, इनके लिए ग्रुप्स अलग अलग होंगे। याद होगा, ये पहला तेरा, अपन क्या पढ़ रहे हैं? क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस, स्टेप्स नहीं पढ़ रहे। तो पहला पॉइंट क्या होगा? क्वालिटी रिव्यू ग्रुप बनाओ, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद सेकंड पॉइंट, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप किसको सिलेक्ट करेगा? टेक्निकल रिव्यूअर। कौन रहेगा बंदा? आउटसोर्स वाला। और आउटसोर्स वाला बंदा रहेगा तो उसके पॉइंट है रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसके पास जाएगी? ओके, ग्रुप के पास जाएगी, और ग्रुप में डिफाइन करेगा, ओके, वो ऑडिट क्या है, उसने ऑडिट कैसे किया है, क्वालिटी कैसे की है, सेकंड पॉइंट में। तीसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल रिव्यूअर किसको अपडेट करेगा? क्वालिटी रिव्यू ग्रुप को, और उसके अलावा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को। ये दोनों अपडेट होंगे, और दोनों के अपडेट के पॉइंट अपन ने टाइम फ्रेम दिया हुआ है, कैसे क्या अपडेट कौन किसको करेगा। एंड लास्ट पॉइंट है रिपोर्ट में, कौन रिपोर्ट में डालेगा? क्वालिटी रिव्यू ग्रुप रिपोर्ट में क्या क्या डालेगा। तो ये एडिशनल पॉइंट देखना, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। पहले एक बार मैं वापस चार पॉइंट स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहला टेक्निकल रिव्यूअर अपॉइंट नहीं होगा, सबसे पहले क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्वालिटी रिव्यू ग्रुप बनाएगा, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप टेक्निकल रिव्यू बनाएगा, टेक्निकल रिव्यूअर रिपोर्ट करेगा क्वालिटी रिव्यू ग्रुप को, और या बोर्ड को भी जा सकता है, दोनों इसमें जा सकता है। तीसरे पॉइंट में, एंड नेक्स्ट पॉइंट में, जब क्वालिटी रिव्यू ग्रुप बोर्ड को रिकमेंडेशन देगा, तो बोर्ड को रिकमेंडेशन में क्या क्या लिख के देगा? तो यहां पर जब रिकमेंडेशन देगा या फाइंडिंग देगा, तो वो चार चीजें देगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, चार चीजें क्या देगा? एंटरप्राइज कौन सा है, इनका नॉन कंप्लायंस क्या हुआ है, इविडेंस क्या हुआ है, और हमारी तरफ से रिकमेंडेशन क्या है। तो चार चीजें देगा। ये कौन दे रहा है? क्वालिटी रिव्यू ग्रुप किसको दे रहा है? बोर्ड को। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप किसको दे रहा है? बोर्ड को। तो क्या लिखेगा उसके रिपोर्ट में? यानी ये रिपोर्ट किसकी है? याद रखना, ये रिपोर्ट किसकी है? दो तरह की रिपोर्ट आप पढ़ रहे हो, इसमें गड़बड़ मत करना। ये है क्वालिटी रिव्यू ग्रुप की रिपोर्ट, और एक होगी टेक्निकल रिव्यू की रिपोर्ट। दो रिपोर्ट है, एक है टेक्निकल रिव्यू की रिपोर्ट जो लास्ट आंसर है, और एक है क्वालिटी रिव्यू की रिपोर्ट। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप की रिपोर्ट क्या होगी? चार चीज होगी। ओके, सबसे पहले एंटिटी कौन सी है? नॉन कंप्लायंस क्या है? ओके, इसके लिए पॉइंट क्या है? एविडेंस क्या है? एंड लास्ट पॉइंट कितना? ओके, क्या रहे रिकमेंडेशन क्या है हमारा? एवरी क्लियर मालिक? और ये होने के बाद तेरे पास लास्ट पॉइंट है। ओके, यहाँ पर टेक्निकल रिव्यूअर जब देगा, तो टेक्निकल रिव्यूअर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट किसको देगा? ऑडिट फर्म को। और इसके रिस्पॉन्सेस किसको देगा?
बोर्ड को, ओके याद रखना, ओके क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को, ये पॉइंट रहेगा। तो पांच क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस बताइए, आराम से सीक्वेंस में नहीं जा रहे, मैंने आपको उस दिन भी बताया था ये सीक्वेंस में नहीं जा रहे, और आंसर ऐसा ही है सबसे पहला, और आंसर यही सीक्वेंस में रखोगे तो आंसर मॉड्यूल का मैच होगा। सबसे पहला क्यू आर बी क्यू आर जी, दूसरा क्यू आर जी टेक्निकल रिवर, तीसरा टेक्निकल रिवर क्यू आर बी रिपोर्ट दे रहा है, ओके क्यू आर जी, ओके क्यू आर जी क्यू आर बी रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, चार चीजें। एंड लास्ट पॉइंट है टी आर कैन गिव द रिपोर्ट टू, ओके किसको, कंपनी जो नहीं, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में बाद में आएगा, किसको दे सकते हैं, ओके फर्म को, और फर्म से रिकमेंडेशन आएंगे, जो भी रिस्पॉन्स आएगा, और वो रिस्पॉन्स किसको दिया जाएगा, बोर्ड को। दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर ओवर हियर। ओके वापस बोल रहा हूँ, क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस कितने स्टेप्स के होंगे, कितने स्टेप्स के हो गए, पांच। क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस, अगला क्या है, क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट, दो अलग अलग क्वेश्चन है, क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस, क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट। वापस आता है क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस कितने स्टेप्स है, पांच। सबसे पहले क्यू आर बी क्यू आर जी टी आर टी आर, ओके क्या करेगा, क्यू आर जी, ओके और क्यू आर बी, आइदर ऑफ इट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है क्यू आर जी क्यू आर बी रिपोर्ट में चार चीजें होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है टी आर कैन गिव रिपोर्ट टू ऑडिट फर्म, एंड ऑडिट फर्म के रिकमेंडेशन कैन बी गिवन टू क्यू आर बी। ये क्या था, क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस, क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट इज योर डिटेल वाइज। और क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट में अगर देखोगे तो पंचायती है, ओके स्क्रीन पे नहीं लिखा है लेकिन आप नोट्स में देख लेना। सबसे पहले क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म, ओके ऑडिट फर्म का सिलेक्शन होगा, और उसके बाद क्या होगा, टेक्निकल रिव्यूअर अपॉइंट किया जाएगा, टेक्निकल रिव्यूअर अपना एक्सेप्टेंस देगा, ओके फिर ऑडिट फर्म को इंटीमेट किया जाएगा, फिर टेक्निकल रिव्यूअर ओके प्रोग्राम सेंड करेगा, क्वेश्चन सेंड करेगा, याद है मालिक, सेम रे पीआर रिव्यू जैसा ही, ओके उसके बाद टेक्निकल रिव्यूअर ऑन साइट करेगा म्यूचुअल कंसेंट से, टेक्निकल रिव्यूअर प्रीलिमिनरी रिपोर्ट भेजेगा किसको, मेंबर को, ऑडिट फर्म क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन किसको देगा, टेक्निकल रिव्यूअर, और उसके बाद लिखा था टेक्निकल रिव्यूअर टू सबमिट फाइनल रिपोर्ट टू बोर्ड विद इन हाउ मेनी डेज, 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी ये क्यूआरबी को दे रहा है डायरेक्टली, और ये क्यूआरबी को जब देगा तो याद रखना ये सेम ऑडिट फर्म को भी बताएगा कि मैंने क्यूआरबी को दिया है और तुम्हें क्या देना है, ओके जो भी आपके ऑप्शंस है यानी आपके जो भी पॉइंट्स होंगे, ओके जो भी एक्सप्लेनेशन होंगे वो आप किसको दो, क्यूआरबी, और फिर क्यूआरबी को जैसे ही आएंगे, ओके क्यूआरजी वो रिपोर्ट को कंसिडर करेगा और अपने रिकमेंडेशन देगा किसको, क्यूआरबी को, और क्यूआरबी विल डिसाइड फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन, क्यूआरजी डज नॉट डिसाइड फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन, हु डिसाइड फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन, क्यू आर बी, बस ये याद रखिए विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्ट का कंसेप्ट, ओके इसके बाद अपने और एक इसके अंदर डिस्कस किया था, ओके क्वालिटी रिव्यूअर कौन होना चाहिए, और टेक्निकल क्वालिटी रिव्यूअर मतलब कौन, टेक्निकल रिव्यूअर, क्वालिटी रिव्यूअर कौन होना चाहिए और उसके इंडिपेंडेंस के रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये आंसर आपको अगर याद होगा तो आंसर ईजी है, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट तीन थी, पिछले 3 साल में कोई केस नहीं होना चाहिए, ये आंसर अपने लिखा है वो है, 3 साल में कोई केस नहीं होना चाहिए। दूसरा सिनारियो, मैं उस फर्म या उस कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं हूँ पिछले 3 साल से, और तीसरा सिनारियो ओके क्या था, और एक ओके परफेक्ट, ओके और एक पॉइंट क्या रहेगा मेरे पास, नहीं, एक सेकेंड, 141(3) का कंप्लायंस कर रहा हूँ, एवरी क्लियर मालिक, और उसके अलावा मेरा और एक आया क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन कितने रहेंगे, चार। सबसे पहला ओके मैं कौन हूँ, ओके 15 ईयर्स का प्रैक्टिसिंग सीए। दूसरा मेरे को कितने साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का, लेकिन 15 साल के एक्सपीरियंस में भी स्पेसिफिक है आपके पास किसका किसका होना चाहिए, ओके सबसे पहला बैंक, पब्लिक, ओके पब्लिक के बाद प्राइवेट, नहीं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बाद प्राइवेट, कितना, 50 करोड़, 50 करोड़ के ऊपर चाहिए, लेकिन इसमें टोटल 3 ऑडिट करेगा, 3 में से कितने तेरे पास होने चाहिए, मिनिमम एक कौन सा होना चाहिए, अदर देन प्राइवेट होना चाहिए। तीसरा साल, ओके तीसरा पॉइंट, मतलब पहला था तेरे 15 साल की प्रैक्टिस, दूसरा 3 एंगेजमेंट का एक्सपीरियंस, तीसरा पॉइंट ओके जो पहला पॉइंट था तेरे अगेंस्ट कोई केस नहीं चलना चाहिए, और तू कोई मेंबर नहीं होना चाहिए, किसका मेंबर नहीं होना चाहिए, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड और क्वालिटी रिव्यू ग्रुप में मेंबर नहीं होना चाहिए, और तू आईसीए काउंसिल में मेंबर करंटली नहीं होना चाहिए, हो सकता है पुराना मेंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंटली नहीं होना चाहिए, और तेरे रिपोर्ट में 2 चीजें आती है पंटर। अब ये रिपोर्ट किसकी बात कर रहे हैं अपन, टेक्निकल रिव्यूअर, क्वेश्चन में गड़बड़ मत करना, अगर तेरे को मैं पूछू कि क्वालिटी रिव्यू ग्रुप रिपोर्ट दे रहा है उसके अंदर कितनी होगी, 4, और टेक्निकल रिव्यूअर क्या दे रहा है उसके अंदर अपना पॉइंट ये होगा, और टेक्निकल रिव्यूअर 2 जन के बारे में रिपोर्ट करेगा, पहला रिपोर्ट करेगा कंपनी के बारे में और एक रिपोर्ट करेगा फर्म के बारे में, गड़बड़ मत करना, टेक्निकल रिव्यूअर कितने बारे में रिपोर्ट करेगा, कंपनी एज वेल एज फर्म, आत्मा क्लियर है, तो कंपनी के बारे में क्या करेगा, सबसे पहले स्कोप क्या था, उन्होंने कंप्लायंस नहीं क्या नहीं किया, और एक कंप्लायंस क्या नहीं किया, एक है कंप्लायंस टीपी से और एक कंप्लायंस लॉज एंड रेगुलर, ये किसके बारे में बोला मैंने, कंपनी, फर्म के इसमें क्या है, फर्म मेजर कंसिडरेशन है, तो फर्म के इसमें हमने क्या चेक किया, फर्म के पीपी, तो क्वालिटी कंट्रोल चेक किया, दूसरा जनरल क्वालिटी कंट्रोल को ये लोग मॉनिटर कर रहे कि नहीं, रिव्यू बाय द फर्म, उसके बाद हमने देखा है यहाँ पर रीजनेबल एश्योरेंस किया है टेक्निकल स्टैंडर्ड से ऑप्टेन करने के लिए, वापस आ रहा हूँ, पीपी के इसमें क्वालिटी कंट्रोल है, दूसरा पीपी का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किया है, तीसरा रीजनेबल एश्योरेंस आया है स्टैंडर्ड्स के लिए, चौथा जब जब चाहिए मॉडिफिकेशन रिक्वायर है, ओके मॉडिफिकेशन किया हुआ है फर्म्स के इसमें, एंड लास्ट 2 पॉइंट है, ओके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमने किसको दी थी, फर्म को, और फर्म के उसके रिस्पॉन्स आए, एंड लास्ट पॉइंट हम लोग एक क्लियर कट बता रहे हैं कि हमने पूरा रिव्यू प्लान्ड एंड परफॉर्म किया, ये किसकी रिपोर्ट थी,
ये किसकी रिपोर्ट थी? टेक्निकल रिव्यूअर की, फॉर्म की नहीं, टेक्निकल रिव्यूअर की। पर टेक्निकल रिव्यूअर की रिपोर्ट दो इसमें जाती है, कंपनी एंड फॉर्म। क्यूआरजी की रिपोर्ट किसके लिए जाती है? क्यूआरजी इज ओनली फॉर कंपनी, फर्म के लिए डिस्कशन नहीं आता है। ओके ये पॉइंट ध्यान रखिए। ओके फर्म का डिस्कशन डायरेक्टली कौन करेगा? क्यूआरबी। क्यूआरजी इज ओनली फॉर कंपनी, क्यूआरबी इज फॉर फर्म, फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन। और ये रिपोर्ट सही होनी चाहिए, इसके लिए क्या है मतलब ये पॉइंट है, क्या करने चाहिए, व्हाट द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड, ताकि आपको रिपोर्ट क्या करनी है, मॉडिफाइड। अगर आप बोल रहे हो कि ये रिपोर्ट मॉडिफाई करनी है, ये रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन चाहिए, तो आपने कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने हैं? तो एक पंचायती वाला क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो इसकी पंचायती अपन ने ऐसे डिस्कस की थी। ओके पहला पॉइंट, पॉलिसी प्रोसीजर है क्या, कंपीटेंस है क्या, कंप्लायंस करते हैं क्या, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे है, एक्सपर्ट का क्या सीन है, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग यानी क्या था, DSR, ये लोग रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, ऑडिट फाइल का क्या सिनेरियो है। ओके ये क्या था, ये अगर आंसर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो ये पॉइंट था, फीचर नहीं था। अगर आपकी रिपोर्ट किसके बारे में, फर्म के बारे में मॉडिफाई करनी है, फर्म के बारे में मॉडिफाई करनी है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से फर्म की रिपोर्ट मॉडिफाई होगी? तो अपने फैक्टर्स कितने हो गए फर्म की रिपोर्ट मॉडिफाई होने के लिए? पीपी हो सकता है, कंपीटेंस हो सकता है, कंप्लायंस हो सकता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यानी पहले चार कंट्रोल के याद रखिए, पीपी, कंपीटेंस, कंप्लायंस, इंटरनल कंट्रोल, ये चार हो गए। उसके बाद तेरे को दो और चीज याद रखनी है, एक्सपर्ट एंड प्रोग्रेस यानी क्या है, DSR। और लास्ट दो पॉइंट तेरे पास है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, ऑडिट फाइल केस पे नहीं, एक हाथ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है इसके अंदर। एडवोकेट के लिए मालिक, ये तेरा क्वालिटी रिव्यू पॉइंट हुआ। तो पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, तो पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू में दोनों में क्या फर्क है? क्वालिटी रिव्यू जो हो रहा है उसमें सीजी इन्वॉल्व है, पीयर रिव्यू है उसमें सीजी इन्वॉल्व नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। ओके वंस दैट इज डन, इसके बाद ऑटोमेटेड एनवायरमेंट का मैं लास्ट में करता हूँ। ओके अभी अपन अगले चैप्टर्स पे चले जाते हैं। ओके अगला पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट ड्यू डिलीजेंस। तो ड्यू डिलीजेंस के चैप्टर पे आ जा। कौन सा पेज है? अच्छा नेक्स्ट चैप्टर ये क्या? ओके कौन सा है? ओके सबसे पहला इसका पॉइंट ये आपके लिए सिंपल सा लॉजिक है, ड्यू डिलीजेंस के इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है। ओके हाउ मेनी टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलीजेंस आर देयर? तो कितने पॉइंट है? पोलाइट, एफ। ओके पर्सनल, ऑपरेशनल, लीगल, ओके इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ओके टैक्स, ओके एनवायरमेंटल एंड लास्ट पॉइंट फाइनेंशियल। अपना और एक क्वेश्चन होगा, एरियाज ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, आराम से ध्यान रखना, टोटल आठ एरियाज है। ये आठ एरियाज आप पहले सिक्वेंशियली याद रखो, और इसमें से अगर आपको याद है तो तीसरा पॉइंट डिटेल में याद रखो। ओके तो सबसे पहला क्या एरिया देखेगा? हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी समझेगा। सेकंड पॉइंट तो क्या पड़ेगा? अकाउंटिंग पॉलिसीज। तीसरा पॉइंट क्या पड़ेगा? ओके आपको अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या देखना है? अंडर वैल्यू ऑफ एसेट्स, नहीं नहीं ओवर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड अनडिस्क्लोज लाइबिलिटीज, अनडिस्क्लोज लाइबिलिटीज एंड ओवर वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो तीसरे पॉइंट में ये देखना है। चौथा पॉइंट तू क्या देखेगा? टैक्स, कैश फ्लो देखेगा, कैश फ्लो के साथ में बजट देखेगा, तो टैक्स, कैश फ्लो एंड बजट्स। एंड नेक्स्ट दो पॉइंट को देखना है, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के क्या है, ओके उनको क्या कमिट किया हुआ है मालूम है ना। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट अपन क्या देखेंगे? स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। वापस आता हूं, आठ पॉइंट क्या है? सबसे पहले तू क्या चेक करेगा? मेरी हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री चेक कर, क्या है, कौन प्रमोटर थे, क्या थे, ये सब चेक करेगा। सेकंड अकाउंटिंग पॉलिसी, मैंने कोई रिसेंटली अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है क्या, पहली वाली अकाउंटिंग पॉलिसी वही कैरी फॉरवर्ड हो रही है, ये चेक करना है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है, जिसके दो पॉइंट में डिस्कशन बाद में रखता हूं। और तीसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, चौथा सिनेरियो आएगा टैक्स का देखूंगा। ओके मैंने बताया था ये सेपरेट ड्यू डिलीजेंस है, लेकिन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल, वही लिखना है इसके अंदर। पांचवा सिनेरियो कैश फ्लो देखेगा, जिससे अपने को मालूम पड़ेगा ये लोग को कैश बाहर से लेना पड़ता है, प्रॉफिट होगा लेकिन कैश बाहर से ले रहे होंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और अगला क्या देखेगा? बजट्स, अगले तीन चार साल में कैसे कंपनी परफॉर्म करने वाली है। और इसके बाद क्या होगा? मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय का कमिटमेंट क्या है, कुछ मैनेजमेंट ने कमिट किया कि हम लोग मर्ज करने वाले, तो एम्प्लॉय के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन है क्या, रेज इन सैलरी, ऐसे सब एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं, तो ये पता करो। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट अपने लिए क्या है? स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, क्या ये कंप्लायंस बराबर कर रही है क्या, इसकी वजह से ये पॉइंट अपने को देखना होगा। और इसके अंदर अपने को दो चीज देखनी है, कौन सी दो चीज देखनी है? ओके ये मैंने आपको बताया था, दो होगा, एक होगा हिडन लाइबिलिटीज और एक होगा ओवर वैल्यू एसेट्स। तो अगर आप देखोगे हिडन लाइबिलिटीज के पॉइंट याद रख लेना, ओके आपको पंचायती रीड करनी पड़ेगी हिडन लाइबिलिटीज में। सबसे पहले ओके जैसा हो सकता है कंपनी ने क्या नहीं बताया, कोई कंटिन्यूअल लाइबिलिटी नहीं बताई। सेकंड पॉइंट, लेटर ऑफ कंफर्ट डिस्क्लोज नहीं किया, टैक्स लाइबिलिटीज नहीं बताई, पेंडिंग कोई लिटिगेशन है बताया नहीं, फाइनल असेसमेंट नहीं हुआ, बायबैक शेयर्स करने का बोला था इन्होंने लेकिन बताया नहीं, फ्यूचर लीज लाइबिलिटीज कुछ हो सकती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अनफंडेड ग्रेच्युटी, अनफंडेड ग्रेच्युटी मतलब ग्रेच्युटी ये लोग काटते हैं लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, वो ग्रेच्युटी अपने पास ही पड़ी हुई है, तो अनफंडेड ग्रेच्युटी है। एंड ये होगा, ये हो सकता है ह्यूज लेबर क्लेम्स, और इनको सबको लग रहा होगा कि अभी साला कंपनी खरीद लेगी तो हमारा सब पैसा आ जाएगा, तो ये कौन सी होगी, ये क्या होगा,
ये कौन सा होगा, हिडन लाइब्रेरीज, ओवर वैल्यू एसेट्स, आपको मालूम ही है एसेट की जिसकी वैल्यू ही नहीं है और उसको वैल्यू किया हुआ है, कौन से अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स, ओके, कोई स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज है, कोई प्लांट मशीनरी है जो काम नहीं है, ओके, लिटिगेटेड एसेट्स है, ओके, कोई इन्वेस्टमेंट है जिसका वैल्यू है नहीं, डिस्क्लोजर में नहीं है, ओके, इन्वेस्टमेंट एट वैली रो रेट ऑफ इनकम, ओके, ऐसा हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आप बता रहे हो लेकिन वो कुछ काम का नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक है इंटेंजिबल्स बता रहे हो, आप इंटेंजिबल एसेट्स बता रहे हो लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा विद रिस्पेक्ट दिस पॉइंट। इसके बाद और एक है, ओके, आपके लिए और एक क्वेश्चन है जो आपको रीड नहीं करना है, इग्नोर करना है, व्हाट आर द ओके हाउ टू कंडक्ट ए ड्यू डिलिजेंस, तो हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, थ्री, प्री ड्यू डिलिजेंस पीरियड होता है जिसमें तुझे जाके क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना है हमेशा, दूसरा सिनेरियो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस एंड निगोसिएशन कंटिन्यूअसली पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तो काम करेगा, एंड लास्ट पॉइंट है पोस्ट और क्लोजिंग पीरियड ऑफ निगोसिएशन वाला, तो तेरे पास होता है प्री होता है, ओके, ड्यूरिंग द फेज होता है और पोस्ट होता है, ओके, ये तेरे एमसीक्यू के लिए मैटर हो सकता है, तो एमसीक्यू के लिए तूने रीड मारना। और एक पॉइंट है, ओके, ये आंसर याद रहा तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर, इग्नोर मतलब क्या, ओके, सीक्वेंस छोड़ देना, इग्नोर मत करना, सीक्वेंस छोड़ देना, और वो कौन सा है, रिपोर्ट, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले, और वापस है, ये एग्जांपल है, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, तो इसमें जो जो आपने किया ना उसी को लिखना है, तो सबसे पहले खाली है ना आपके पांच पॉइंट तुमने याद रखने के, एग्जीक्यूटिव समरी देनी है, इंट्रोडक्शन देना है, टारगेट कंपनी के बारे में बताना है, ऑब्जेक्टिव बताना है, स्कोप बताना है, तो पहले पांच चीजें आपने रटनी है, ओके, ये पांच चीजें रटने के बाद जो भी पंचायती तुमने की है वो देखो, ब्रीफ हिस्ट्री देखो, शेयर होल्डर पैटर्न देखो, आपके ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट नहीं है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ओके, लाइबिलिटीज, एसेट्स, प्रॉपर्टीज, जो भी तुमने देखा, ओके, और उसके बाद तुम्हारे ऑपरेटिंग रिजल्ट्स क्या है, टैक्सेशन के रिजल्ट्स क्या है, ओके, लिटिगेशन एंड क्लेम का क्या पॉइंट है, कंटिजेंट लायबिलिटी कुछ है क्या, और इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा स्वॉट एनालिसिस, इन शॉर्ट अगर पहले पांच पॉइंट तुमने याद रखे, पहले पांच पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्या है, ओके, सॉरी, एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, ओके, ओके, और नेक्स्ट दो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, इसके बाद सीधा क्या लिख मालूम है, वो आठ पॉइंट है ना, वो आठ पॉइंट लिख डाल, आठ पॉइंट लिखना है, वो आठ पॉइंट ही लिखना है, कौन सा ब्रीफ हिस्ट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज, वही चेक किया तूने, और उसके बाद ओके, उसमें हिडन ओवर वैल्यू एसेट्स है और हिडन लाइबिलिटीज उसके जिक्र चाहिए, ओके, कोई एसेट्स है और एक लाइबिलिटी, यानी कंडीशन लाइबिलिटी विच आर नॉट डिस्क्लोज, और उसके बाद तेरे को एक लास्ट पॉइंट पे एंड करना है, दैट इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस, यहां तक तेरा एंड हो जाना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस का कॉन्सेप्ट, दैट इज हाउ ड्यू डिलिजेंस कम्स इनटू पिक्चर, एवरीडे क्लियर मालिक, ड्यू डिलिजेंस का पॉइंट ये ध्यान रखना, ड्यू डिलिजेंस में यानी इन शॉर्ट कितने क्वेश्चन करने अपने को, तीन, कौन से है, ओके, ड्यूलियन में तीन क्वेश्चन कौन से रहेंगे तेरे, सबसे पहला टाइप्स ऑफ डिलीजेंस, सेकंड पॉइंट एरियाज, एंड लास्ट पॉइंट इज रिपोर्ट, टाइप्स कौन से है, पोलाइट एफ, एरियाज कितने हैं, आठ, पहला कौन सा है, हिस्ट्री, दूसरा कौन सा है, अकाउंटिंग पॉलिसी, तीसरा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चौथा क्या है, टैक्स, पांचवा क्या है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैश फ्लो के बाद बजट, बजट मतलब फोरकास्ट एंड अदर थिंग्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, एंड लास्ट पॉइंट क्या रहेगा, ओके, मालिक एवरी क्लियर, ओके, दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू शुड चेक फॉर इट, ओके, अब तेरे लिए आगे पॉइंट जो अपने अभी रिसेंटली किए हुए, इन्वेस्टिगेशन को बाद में देखते हैं, पहले रिसेंटली पॉइंट जो किए हुए वो पॉइंट पे बात करते हैं, ओके, दैट इज योर, ओके, प्रोफेशनलिटी को बाद में रखते हैं, सबसे पहले मैं इंश्योरेंस, बैंक और वो सब खत्म कर देते हैं, ओके, तो अभी अपना मैं इस सीक्वेंस से जा रहा हूँ, जो मेरे पास चार्ट्स है उस सीक्वेंस से जा रहा हूँ, तो अगला पॉइंट अपना सीधा जो चालू किया वो किसके ऊपर था, फर्स्ट पॉइंट बैंकिंग इंश्योरेंस में से सबसे पहले किस में चालू किया, सबसे पहले बैंक से चालू किया, तो बैंक में आ जाइए आप, नहीं अपने एनबीएससी किया ना, तो पहले एनबीएससी कर लो, एनबीएससी कर लो, एनबीएससी अब 221 एनबीएफसी पे आ जाओ, एनबीएफसी में, ओके, तेरे क्वेश्चंस बहुत इजी है, खाली तेरे को दो जगह तेरे को अच्छे से ध्यान रखना होगा, सबसे पहला आता है एनबीएससी का टाइप्स ऑफ एनबीएससी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनबीएससी आर देयर, ओके, छह सात, ओके, पहले दो, एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट कंपनी, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस में मैक्सिमम लिमिट क्या है लोन की, 1 लाख, लेकिन किसको देंगे, जिसकी इनकम 1 लाख या 1,60,000 है, यही पॉइंट है, और ये लोन कितने दिन कितने टाइम में रीपे करना है, 2 साल कम से कम उसके बाद, और ये रिपेमेंट उसका 2 साल के बाद होगा, माइक्रो फाइनेंस का ध्यान रखना होगा, ये होने के बाद तेरे पास और एक एनबीएससी, दो तीन एनबीएससी अपने बात की है, एक है फैक्टर्स की एनबीएससी, फैक्टराइजेशन करती है, एक है गारंटी वाली, और एक है जिसका, ओके, नॉन ऑपरेटिव, जो बैंक को होल्ड करती है लेकिन फाइनेंस में काम नहीं करती, ओके, ये होने के बाद तेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया, दैट इज योर ऑडिट प्रोसीजर ऑफ एनबीएससी, तो पहले ऑडिट प्रोसीजर ऑफ एनबीएससी पे आ जाइए, ओके, पेज नंबर 226, सबसे पहला क्या करने का, बिजनेस को समझेगा, बिजनेस ऑफ कंपनी को समझेगा, ओके, सर बिजनेस ऑफ कंपनी को कैसे समझेगा, इसमें मैंने हाईलाइट किया एमओए एंड एओए, दूसरा पॉइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो इसमें अकाउंटिंग सिस्टम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या लेंगे, सर्टिफिकेट यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ आरबीआई, उसके बाद आपको देखना है एनबीएससी
की पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन के देख, तू 3 पॉइंट देख, याद रख इसके 3 पॉइंट कौन से, क्वांटम में लिया है क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और कुछ एक्सेप्ट नया वही किया है और उसको रिन्यू किया है, नया एक्सेप्ट किया है कुछ रिन्यू किया, 3 पॉइंट। उसके बाद तू 3 पॉइंट देख रहा है, क्या क्या देख रहा है, डिपॉजिट रजिस्टर्स, ओके इन्वेस्टमेंट, ओके डायरेक्टर रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट एवरी क्लियर मालिक। एंड लास्ट पॉइंट तेरे को देखना है बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन क्या देखना है, बोर्ड रेजोल्यूशन में क्या देखना है, अगर एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो रेजोल्यूशन ले ले। ओके तो वापस ये एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस बताइए, पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस बताइए, मैंने बताया था रिटेल में आएगा। तो पहले तीन क्या देखोगे, क्वांटम में लिया क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से, दूसरा पॉइंट तुमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया है, तीसरा सिनेरियो कुछ नया लिया है कुछ रिन्यू किया है, एक अलग से याद रख इन्वेस्टमेंट, इसको अलग से याद रख ले, फिर तीन बुक्स देख, रजिस्टर देख, बोर्ड रिपोर्ट देख और उसके साथ एनुअल रिपोर्ट देख। ओके ये तेरे को देखना रहेगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट तेरे को एडिशनल पॉइंट रहेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है कि अगर एनबीएससी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, 8 पॉइंट एवरी क्लियर मालिक। ये डायरेक्शन का था। प्रूडेंशियल नॉर्म्स में तेरे को अपने क्राइटेरिया है, प्रूडेंशियल नॉर्म में सबसे पहले दो चीज याद रखना, कंप्लायंस तेरे को देखना है, सेकंड पॉइंट नहीं छोड़ दे, थर्ड पॉइंट कंप्लायंस का तेरे को क्या लेना है। ओके तीसरा पॉइंट देख लेना बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन, दो चीज सेम है, एक है कंप्लायंस विद प्रोडेंशियल नॉर्म, एक है कंप्लायंस विद प्रोडेंशियल नॉर्म का बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज सेम। नेक्स्ट पॉइंट तू उनकी क्या देख, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर चेक कर। तो ये 3 पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट प्रोडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से तेरे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स हुए हैं क्या, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट, ये तेरे को करने हैं। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके जो पिछले साल के एनपीए है वो इस साल के एनपीए के साथ कंपेयर कर ले। तो एनबीएफसी वापस आता हूँ, एनबीएफसी डिपॉजिट, एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन के नॉर्म्स क्या है, एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट के डायरेक्शन के नॉर्म्स क्या है, क्या क्या नॉर्म्स है डायरेक्शन के, एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट के डायरेक्शन के नॉर्म्स क्या है, पब्लिक डिपॉजिट सबसे पहले क्या लेंगे, ओके इस क्वांटम में है क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेशन है क्या, उसके बाद कुछ नया एक्सेप्ट किया है या तुमने उसको रिन्यू किया है, उसके बाद एक अलग से देख ले इन्वेस्टमेंट बराबर किया है क्या, डिपॉजिट लेके इन्वेस्टमेंट वाला। नेक्स्ट तीन बुक देख ले, रजिस्टर देख ले, बोर्ड रिपोर्ट देख ले, एनुअल रिपोर्ट देख ले, एंड बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ है क्या एक्सेप्ट नहीं करना है। प्रोडेंशियल नॉर्म के लिए क्या है, सबसे पहला कंप्लायंस, कंप्लायंस विद प्रोडेंशियल नॉर्म, सेकंड पॉइंट बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लायंस विद प्रोडेंशियल नॉर्म, तीसरा सिनेरियो पॉलिसी चेक कर ले, नेक्स्ट पॉइंट प्रोडेंशियल नॉर्म के हिसाब से क्लासिफिकेशन बराबर हुआ है क्या, एंड लास्ट पॉइंट पिछले साल के एनपीए और इस साल के एनपीए चेक कर ले, ये तेरे को चेक करना है। ये होने के बाद तेरे पास और एक आया फ्रॉड वाला, ये भी आपके लिए एलडीआर मैंने बताया था, फ्रॉड वाले कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मिस अप्रोप्रिएशन, ओके दूसरा पॉइंट क्या है, फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट, तीसरा है अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट इज नेग्लिजेंस, लास्ट पॉइंट है तेने फॉर्जरी की हुई है, सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इज चीटिंग और फॉर्जरी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन एंड एनी अदर। ओके वापस आता हूं, क्या क्या है, सबसे पहला मिस अप्रोप्रिएशन, फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट, अनऑथराइज क्रेडिट लिमिट बढ़ा दिया, नेक्स्ट पॉइंट नेग्लिजेंस, ओके उसके बाद है फॉर्जरी, उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज एंड एनी अदर्स। ओके खाली आपको ध्यान रखना होगा फॉरेन एक्सचेंज में मतलब उसी मतलब है, और कैश शॉर्टेज में आपको ध्यान रखना होगा इंटेंशन बहुत जरूरी है, इंटेंशन अगर सस्पेक्टेड है या फ्रॉड का सस्पेक्टेड है, इंटेंशन है ओके सस्पेक्टेड है या एक्चुअल है तो ये फ्रॉड होगा तो रिपोर्ट करना है, लेकिन अगर इंटेंशन में डिटेक्ट हुआ है और इंटेंशन सस्पेक्टेड या एक्चुअल में नहीं लग रहा है तो आपको फ्रॉड रिपोर्ट नहीं करना है। लेकिन उसमें भी दो क्राइटेरिया दिए थे, पहला क्राइटेरिया 10,000 के ऊपर सारे फ्रॉड करने हैं और 5,000 के ऊपर अगर डिटेक्ट किसी और ने किया जो ये मैनेज कर रहा है, एग्जांपल हुली मैनेज कर रहा है लेकिन हुली ने बताया लेकिन किसने किया, मैंने डिटेक्ट कर लिया तो मेरे को रिपोर्ट करना होगा फ्रॉड, ये पॉइंट रहेगा। इसके बाद वाला ये ऑडिट चेकलिस्ट है, ये पंचायती है, ये प्योरली पंचायती है जिसके अंदर आपने याद रखने भी जाओगे तो बहुत सारे पॉइंट पॉइंट रहेंगे, तो कीवर्ड्स याद रखे इसको गो थ्रू करो। सबसे पहला ऑडिट चेकलिस्ट फॉर कौन सी कंपनी, पहले कंपनी कौन सी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ओके इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्या है, शेयर सिक्योरिटी चेक करना है, क्रेडिट फैसिलिटी बरबर दे रहे क्या, लोन ओन अगेंस्ट ओन शेयर नहीं है, डिविडेंड इनकम चेक कर लो, ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक कर लो, काय के लिए इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज दे रहे होगे वो चेक कर लो, उसके बाद क्या देखो वैल्यूएशन देखो, आपकी होल्डिंग सब्सिडी क्या है वो चेक करो, है ना, ऐसा हो सकता है डिमैट फॉर्म में आपके पास नहीं हो किसी और के पास है तो इन्वेस्टमेंट कंपनी में आप देख लो कोई डिपॉजिटर के पास अपने इन्वेस्टमेंट पड़े हुए क्या, इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका प्योरली काम इन्वेस्टमेंट है, एक कंपनी है लोन देने का काम है तो क्या चेक करो, लोन्स एंड एडवांस चेक करो, सिक्योरिटी चेक करो, सिक्योरिटी ऐसा नहीं होना चाहिए साला अपनी शेयर के अगेंस्ट सिक्योरिटी दी हुई है, ओके लोन दिया हुआ है वो चेक करो, बैलेंस कंफर्मेशन ओके चेक कर लो, किसे क्लाइंट से बैलेंस कितना हुआ है, उसके बाद आप देख लो बिल डिस्काउंटेड कुछ है क्या, लिमिट्स के हिसाब से आपने डिफाइन किए हुए क्या, ओके नेक्स्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देख लो एंड क्लासिफिकेशन नॉर्म्स बराबर फॉलो किए है क्या, किसके ओके प्रोडेंशियल नॉर्म्स जो है वो फॉलो किए क्या, अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके अंदर एसेट फाइनेंस कंपनी है जिसके अंदर हायर परचेज है और लीज है तो दोनों में मेनली एग्रीमेंट चेक करो। तो पहला पॉइंट इन लोग ने बोला है ओके अप्रोप्रिएट सिस्टम तुम्हारे पास है क्या, एडिक्वेट एनबीएफसी का पॉइंट, एक्विजिशन का पॉइंट है क्या, वैल्यूएशन रिपोर्ट तुम्हारे पास है क्या, आरसी बुक तुम्हारे पास है क्या, उसका जो एसेट है उसकी आरसी बुक होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास और एक सिस्टम इन प्लेस है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या किया है और जो भी एसेट है उसके लिए इंश्योरेंस लिया है और उस एसेट का इंस्टॉलमेंट बरोबर आ
रहा है या नहीं आ रहा है, या उसको गो थ्रू करना है, मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं आया होगा तो अपने को क्या करना है, ओके वो कैंसिल करके हायर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल करके वापस अपने को एसेट अपने पास आना चाहिए। लीजिंग कंपनी में ऐसा नहीं होगा। लीजिंग कंपनी में आपको पहले दो चीजें तीन चार चीजें चेक से सेम करनी है, अप्रोप्रिएट सिस्टम चेक है वो चेक कर लो, ओके एग्रीमेंट चेक कर लो, मॉनिटर कर लो। एक खाली इधर है ना, ओके आपको मॉनिटर ये करना है लीज अपने हिसाब से बरोबर हो रहा है कि नहीं, सारे चीज बरोबर हो रही कि नहीं, एंड एग्रीमेंट चेक करने के बाद तेरे को खाली ये देखना है लीज का अकाउंटिंग बरोबर हुआ है कि नहीं। दैट्स द ओनली सिनेरियो यू शुड चेक इट आउट। लेकिन अगेन मेक श्योर ये क्लासिफिकेशन ऑफ चेकलिस्ट है, इट इज नथिंग टू डू विद रटोफाई। ओके इसके बाद वाला आंसर तूने रटने का है एंड दैट इज योर रिपोर्ट। ओके ड्यूटीज क्या है और ये तेरे को आंसर का मैंने बताया, जहां तक हो सके ट्राई करना इसको रटने की, जहां तक हो सके ये चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें तेरे पास तीन तरह के पार्ट दिए हुए, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। पार्ट वन इज एप्लीकेबल टू ऑल NBSC। क्या है पार्ट वन में? सबसे पहला, क्या आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करते हो? दूसरा पॉइंट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसी प्रिंसिपल बिजनेस के लिए होल्ड करते हो जिसमें आप काम कर रहे हो? और तीसरा सिनेरियो, ओके आपके नेट ओन फंड्स कितने हैं, ये चेक करना है। ये रिपोर्टिंग, ये लायबिलिटी ऑडिटर की, ये रिपोर्ट किसको करना है? ऑडिटर अदर देन ओवरऑल अदर रिपोर्ट्स, ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा अदर देन रिपोर्ट्स केस में। दूसरा सिनेरियो, NBFC अगर डिपॉजिट्स ले रही है तो तेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले पांच डिवाइड कर डिपॉजिट्स के ऊपर। तो पहला पॉइंट, डिपॉजिट लिया है, एक्सेस में लिया है, ग्रेड अगर तेरा नीचे हो गया होगा, अगर याद है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ग्रेड देती है, वो ग्रेड के नीचे हो गया होगा तो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो तीसरे में तूने ग्रेड नीचे हो गया है। चौथा पॉइंट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो चेक कर। पांचवे में, अगर तीसरे में तेरा ग्रेड हो गया होगा और उसके बाद भी आपके पास डिपॉजिट्स है तो उसका क्राइटेरिया चेक करना है। पांच चीजें डिपॉजिट्स के ऊपर होगी, पांच चीजें डिपॉजिट्स के ऊपर होगी। वापस बता रहा हूं, पहला पॉइंट क्या है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए है क्या, ओके। दूसरा पॉइंट, एक्सेस में किए। तीसरा, ग्रेड गया तो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कैपिटल एडिक्वेसी देखना है। और पांचवे में, अगर ग्रेड गया था तो तेरे पास कितना डिपॉजिट्स है। ये पहले पांच हो गए। नेक्स्ट तेरे लिए तीन चार पॉइंट हुए जिसमें तूने क्या देखना है, ओके वायलेशन कुछ हुआ है क्या, डिफॉल्ट किया है क्या, किसमें, रिपेमेंट में, एंड तूने प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो नहीं किए। तो तीन पॉइंट है, वायलेशन, वायलेशन मतलब तूने कुछ सेक्शन फॉलो नहीं किए, कुछ डायरेक्शन फॉलो नहीं किए, तूने डिपॉजिट्स का डिफॉल्ट किया एंड तूने ओके प्रोडेंशियल नॉर्म्स फॉलो नहीं किए। उसके बाद तेरा खुद का पैसा लिक्विड एसेट्स कितने हैं। और उसके बाद तेरे को दो पॉइंट है रिटर्न्स के, ओके एक है रिटर्न्स कौन से है, बैंक को देने, बैंक मतलब RBI, तो RBI डिफाइन करती है ये बैंक को रिटर्न्स जाने चाहिए। और एक है क्वार्टरली रिटर्न, तो दोनों में कौन से रिटर्न्स है, दोनों का सिनेरियो क्या रहेगा, एक होगा आपके लिए जो बैंक को देना है दैट इज रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स, और एक है क्वार्टरली रिटर्न फॉर प्रोडेंशियल नॉर्म्स। ये दो चीज है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर न्यू ब्रांचेस खोला है तो इंटीमेट करना। ओके वापस मैं बता रहा हूं, पहले पांच चीजें क्या थी, डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, डिपॉजिट एक्सेप्ट ओके आपने क्वांटम में किए, क्वांटम के बाद अगर आपका ग्रेड नीचे गया तो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कैपिटल एडिक्वेसी बताइए, और तीसरे में अगर डिपॉजिट नहीं कर सकते एक्सेप्ट तो तुमने क्या किया है। ये पांच हो गए। ये पांच के बाद तीन चीजें थी, तीन चीजें क्या थी, सबसे पहला ओके तुमने डिपॉजिट डायरेक्शन कंप्लाई करके किया हुआ है, दूसरा नहीं नहीं पहला पॉइंट क्या है, वायलेशन ऑन डायरेक्शन किया हुआ है, नेक्स्ट डिपॉजिट पेमेंट रिपेमेंट करते वक्त कुछ डिफॉल्ट किया है, और प्रोडेंशियल नॉर्म्स में कुछ दिक्कत की है, ये तीन हुआ। उसके बाद और एक है लिक्विड एसेट में पैसा है क्या। फिर तेरे को दो रिटर्न फाइल करना है, कौन से दो रिटर्न, बैंक को दो रिटर्न हो गए, एक होगा मंथली रिटर्न, ओके एक रिटर्न का फॉर्मेट नहीं है, और एक है क्वार्टरली रिटर्न। एक रिटर्न होगा किसके ऊपर, डिपॉजिट्स के ऊपर, और एक रिटर्न होगा किसके ऊपर, प्रोडेंशियल नॉर्म्स पे। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट होगा ओके न्यू अगर ब्रांच खुला है या कोई एग्जिस्टिंग ब्रांच बंद हुआ है उसका अपडेट करना, ओके ये बैंक को अपडेट करना पड़ता है। बैंक जब मैं बोल रहा हूं तो इधर कौन हो रहा है, RBI, RBI डिफाइंड विद द पर्टिकुलर बैंक, के बैंक से आप कम्युनिकेट करो, RBI से हर टाइम कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे आप, ओके तो इसलिए वो लोग बताते हैं ये बैंक से आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो ये बैंक का ब्रांच वांच डिफाइन करते हैं। एंड लास्ट है, अगर आप डिपॉजिट नहीं लेते हो तो आपको क्या क्या चीजें करनी है, पांच चीजें। सबसे पहला, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ उसके बाद भी आपने कुछ डिपॉजिट एक्सेप्ट किए है क्या, ये चेक करो। और तीसरा सिनेरियो, अगर प्रोडेंशियल नॉर्म्स डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हुए थे तो प्रोडेंशियल नॉर्म्स फॉलो किए क्या, तीन चीजें, बोर्ड रेजोल्यूशन, ओके बोर्ड रिजोल्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या होगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट किया गया और प्रोडेंशियल नॉर्म्स। चौथा पॉइंट इज एप्लीकेबल ओनली इफ इट इज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। तो दो चीज आप देखो, क्या दो चीज देखोगे, एक है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और दूसरा आप देखोगे एनुअल स्टेटमेंट। एंड लास्ट पॉइंट, आप देखिए माइक्रो फाइनेंस अपनी माइक्रो फाइनेंस के लेवल पे ही काम कर रहा है ना, अगर एक भी पॉइंट वायलेट करेगा तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा बोर्ड को कि माइक्रो फाइनेंस उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है। आत्मा क्लियर है? ये तेरा NBFC का, NBFC का मैंने तेरे को बता दिया तीन चीजें क्या है, तो NBFC को फोकस करना है। आफ्टर दैट NBFC इट्स कम्स विद विच ऑडिट, बैंक ऑडिट। तो NBFC में तूने कितने आंसर याद अच्छे से रखने हैं, एक है ऑडिट प्रोसीजर, वापस बोल रहा हूँ ऑडिट प्रोसीजर, दूसरा पॉइंट होगा फ्रॉड और तीसरा होगा रिपोर्ट। ऑडिट प्रोसीजर में मैं इंटरेस्टेड, पांच स्टेप एक बार मेरे को बता दे ऑडिट प्रोसीजर के क्या क्या पांच स्टेप है, पांच स्टेप मेरे को बता। ओके स्क्रीन पे देख, मेरे को रिपीट कर फटाफट, पांच स्टेप क्या है तेरे, सबसे पहले क्या देखेगा, बिजनेस को देखेगा, सेकंड क्या देखेगा, अकाउंटिंग सिस्टम को देखेगा, तीसरा क्या देखेगा, ओके RBI से रिपोर्ट लिया है कि नहीं, चौथा क्या, NBFC के कौन से नॉर्म्स पब्लिक डिपॉजिट, नेक्स्ट कौन से NBFC प्रोडेंशियल नॉर्म्स, ओके पब्लिक डिपॉजिट नॉर्म्स कौन से आराम से। सबसे पहले ओके पहला क्या है, क्वांटम में लिया क्या, दूसरा सिनेरियो
इंटरेस्ट, ओके बरोबर है। तीसरा सिनेरियो, ओके कुछ नया एक्सेप्ट किया या एग्जिस्टिंग को रिन्यू किया, ये तीन का गया। नेक्स्ट एक अलग से देख ले इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट तीन पॉइंट आपको देखना होगा डिपॉजिट के रिलेटेड, क्या हुआ। ओके डिपॉजिट रजिस्टर चेक कर, बोर्ड का रिपोर्ट देख और ऑडिटर रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट में जाएगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर आप बोर्ड रिजोल्यूशन अगर एनबीएससी का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ओके सर प्रोडेंशियल नॉर्म्स में क्या देखना है, कंप्लायंस विद प्रोडेंशियल नॉर्म। ओके बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लायंस विद प्रोडेंशियल नॉर्म्स पॉलिसीज, प्रोडेंशियल नॉर्म्स का बरोबर डिस्क्लोजर है। एंड लास्ट पॉइंट पिछले साल के एनपीए, इस साल के एनपीए। फ्रॉड के कितने क्लासिफिकेशन है, छह है। ओके छह मेन चाहिए, सबसे पहला कौन सा है, मिस अप्रूव। दूसरा सिनारियो कौन सा है, ओके पहला क्या था, मिस अप्रोप्रिएशन। ओके दूसरा पॉइंट फ्रॉड एनकैशमेंट। तीसरा अनऑथराइज क्रेडिट लिमिट। चौथा पॉइंट कैश शॉर्टेज। पांचवा सिनेरियो फॉर्जरी। एंड छठा पॉइंट इज फॉरेन एक्सचेंज। एंड लास्ट पॉइंट अदर्स है। और इसके बाद तेरा ये ऑडिट रिपोर्ट का पॉइंट रहता, ऑडिट रिपोर्ट में याद रखना एनबीएससी, एनबीएससी डिपॉजिट्स, एनबीएससी नॉन डिपॉजिट्स, एवरी क्लियर मालिक। तो डिपॉजिट्स दोनों के लिए क्या कॉमन है, तीन चीजें, सीओआर है, सीओआर तेरे बिजनेस के हिसाब से है, और तेरा नेट ओन फंड्स कितना है। जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए रिपोर्ट में क्या क्या लाइबिलिटी है, पहले पांच, कौन सी पांच होगी, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हो। दूसरा पॉइंट तुम्हारे क्वांटन में एक्सेस किया है क्या तुम्हारे रेशियो के हिसाब से। तीसरा अगर तुम्हारा क्रेडिट रेटिंग कम हो गया है डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चौथा सिनारियो कैपिटल एडिक्वेसी देखो। पांचवा सिनारियो अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते फिर भी तुमने कुछ डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है क्या, ये पांच चीजें। ओके यूजुअली अगर ये अगर आपको याद होगा इसके लिए डायरेक्शन वापस लेते हैं आरबीआई से कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया आप बताओ क्रेडिट रेटिंग कम हो गया है। ओके नेक्स्ट तीन पॉइंट क्या क्या है, ओके तुमने डायरेक्शन कंप्लाई नहीं किया, दूसरा तुमने डिपॉजिट का रीपेमेंट नहीं किया, और तीसरा सिनारियो ओके प्रूडेंशियल नॉर्म फॉलो किया कि नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट एक और एक एडिशनल पॉइंट देखना है लिक्विड एसेट। ओके नेक्स्ट दो पॉइंट दो रिपोर्ट जाएगी, क्वार्टरली रिटर्न एक का रिटर्न आएंगे। ओके किसके ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर, और एक जगह रिटर्न किसके ऊपर, ओके प्रूडेंशियल नॉर्म्स के ऊपर। और अगर आपकी ब्रांच खुली है नहीं खुली है वॉट एवर उसका अपडेट देना। ओके अगर ये नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टेंस है तो आपके पांच पॉइंट है, लेकिन पांच पॉइंट में चौथा पॉइंट इज ओनली फॉर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। पहले तीन क्या है, बोर्ड रिजोल्यूशन देखो, डिपॉजिट एक्सेप्ट किया देखो, और उसके बाद ओके प्रोडेंशियल नॉर्म चेक करो। और उसके सिनारियो में अगर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है तो दो चीज देखो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और एनुअल रिटर्न। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आप एडिशनल पॉइंट देखो, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस का काम कर रहा है कि नहीं, एवरी क्लियर मालिक। ओके बैंक के सिनारियो में आओगे तो बैंक के सिनारियो में 140, बैंक के सिनारियो में आओगे तो बैंक के सिनारियो में सबसे पहला क्वेश्चन है एडवांसेस के अंदर क्या क्या आएगा, याद रहे नहीं रहे मालूम नहीं, रट्टा मारने के बाद खत्म। एडवांसेस में क्या आएगा, चार चीजें, मनी लेंड बाय बैंक टू कस्टमर, डिपॉजिट एंड विच डेबिट बैलेंस। ओके अगर रिस्क शेयरिंग बेसिस पे बैंक एंटर करती है तो। नेक्स्ट पॉइंट इज अमाउंट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फार्मर वेवर। इसके बाद हाउ मेनी स्टेप्स, ये सबसे बड़ा आंसर है। ओके बैंक ऑडिट के स्टेटरी ऑडिट में सबसे पहले क्या करना इसको पूरा अच्छे से देखना, इनिशियल कंसिडरेशन, उसके बाद क्या है आरएमएम, तीसरा अंडरस्टैंडिंग एंटिटी मतलब बैंक एंड बैंक के एनवायरमेंट को समझो। नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के साथ और एक कौन सा प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट दो इज अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो पांच पॉइंट वापस चाहिए मुझे, वापस पांच पॉइंट चाहिए, पहले पांच पॉइंट, इनिशियल कंसिडरेशन, अंडरस्टैंडिंग बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट, ओके नहीं सॉरी आरएमएम, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट, चौथा सिनेरियो अकाउंटिंग प्रोसेस, पांचवा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ये पांच खत्म होने के बाद तेरा है किसके साथ डिस्कस करना, एंगेजमेंट टीम डिस्कस। इसके बाद तीन पॉइंट साथ में जाएंगे, स्ट्रेटजी बनेगी, प्लान बनेगा, मेमोरी बनेगा, याद है ना मालिक। और ये तीन होने के बाद तेरे पास और एक कॉन्सेप्ट आएगा मटरिटी, और मटरिटी के बाद तेरे को चार चीजें देखनी है, गोइंग कंसर्न देखना है, फ्रॉड देखना है, ओके सिग्निफिकेंट रिस्क देखना है, एंड आउटसोर्सिंग वाला देखना है। और इसके बाद तेरे को 330 करना है, और 330 के बाद दो रिपोर्टिंग करनी है, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड बेसल। ओके ये तेरे को पॉइंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट, आई डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके एटलीस्ट समराइज वर्जन वॉट एवर। कॉन्करेंट ऑडिट कितना देखना है तुम लोगों को, 50% कवर करना है। ओके हर मंथ में कॉन्करेंट ऑडिट होता है। ओके कॉन्करेंट ऑडिट कोई भी हो सकता है, कहीं पर कंपलसरी नहीं है, ऑडिट कमिटी अपॉइंट करेगा। कॉन्करेंट ऑडिट कौन से एरिया देखेगा तो आपको दिखाई इनके हुआ है, डेली कैश ट्रांजेक्शन देखेगा, परचेज एंड सेल्स के ट्रांजेक्शन देखेगा, न्यू अकाउंट खुला है उसका देखेगा, ओके नए लोन्स एंड एडवांस देखेगा, फॉरन एक्सचेंज देखेगा, ये पांच चीजें हो गई। नेक्स्ट तीन इसमें ध्यान रखना, रेवेन्यू लीकेज है, फ्रॉड है, हाई कैश वैल्यू, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जो भी होंगे, एंड लास्ट दो पॉइंट है टीडीएस है, एंड स्टेटरी बॉडीज के कुछ रिपोर्ट्स हो सकती है पिछली, कौन सी आरबीआई या किसी ने भी रिपोर्ट दी होगी वो आएगी इसमें, एवरी क्लियर। और ये होने के बाद तेरे पास आता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो ये फटाफट तेरे को चेक करना रहेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यू कैन गो फास्ट थ्रू। ओके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चार जन के लिए, कॉन्स्टिट्यूंट लेजर, लोन्स एंड एडवांसेस, ओके डिमांड ड्राफ्ट एंड क्रेडिट कार्ड्स। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट लेजर, यानी किसका लेजर,
कस्टमर, डेट, साइन, टाइम, प्ले, ये सब देख के अमाउंट देख के फिर चेक पास करेंगे। जिस दिन चेक डिपॉजिट हुआ उसी दिन मैं वो विड्रॉल नहीं दूंगा। तीसरा सिनारियो, जो लेजर मेंटेन कर रहा है ओके, और जो समरी शीट से मेंटेन कर वाउचर रख रहा है, वो दोनों को अलग अलग होना चाहिए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा ये अलग अलग बंदे होने चाहिए, अप्रूवल एंड अदर थिंग्स। ओके, ये होने के बाद तेरे पास है लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, कंट्रोल सिस्टम क्या बोलता है, क्रेडिट वर्थिनेस देखने के बाद ही देना, डॉक्यूमेंटेशन पहले कंप्लीट करना, सफिशियंट मार्जिन होने चाहिए, जो गुड्स उसने सिक्योरिटी रखे उसको इंस्पेक्शन बरबर करना। ओके, मार्केट ओके वैल्यूएशन बरबर करना, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी देखना। एंड लास्ट दो पॉइंट है, ब्रांच और एचओ की लिमिट फॉलो करना। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें है, उसको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना। ओके, रिव्यू करना, मतलब पीरियडिक रिव्यू करना, मतलब मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना मालूम पड़ा सिक्योरिटी की वैल्यू खत्म हो गई, ओके बीच में वो अचानक बंद कर देगा, ओके लोन देना, उसके बाद आपका एनपी हो गया तो वो लॉस एसेट में चला जाएगा, ये आपको चेक करना होगा, इसलिए पीरियडिक रिव्यू करना है। इसके बाद अपन का है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट में प्राइवेट कोड देखो पहले, दूसरा सिग्नेचर मैच करने की कोशिश करो, अगर तीसरा सिनारियो एडवाइसेस लो। एडवाइसेस मैंने आपको समझाया था कैसे वर्कआउट होता। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, अगर कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं आया, प्रॉपर कंफर्मेशन लेके ही पेमेंट करो। एवरीवन क्लियर? और ये होने के बाद तेरे पास आया क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का तो पांच चार चीजें है, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। ओके, जिसको जो क्रेडिट कार्ड जिधर स्टोर किया जा रहा है ओके, उसका क्या होना चाहिए, कंट्रोल्स होने चाहिए स्टोरेज के लिए, वेरीफाई अनयूटिलाइज बैलेंस उसके बाद ही यूज होना चाहिए। और इसके साथ में और दो चीज है ओके, अगर कोई आइटम ओवरड्यू है तो उसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, यानी पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसका क्या होना चाहिए, पीरियडिक रिव्यू। और पीरियडिक रिव्यू करके मालूम है क्रेडिट बैलेंस बढ़ाते हैं कम करते हैं, वही होता है, दैट्स व्हाट यू आर कंट्रोल। वेरिफिकेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मैंने बताया था आपको, इसमें मैंने उड़ाया हुआ है ओके, लेकिन लॉजिक आपको वैसे ही ध्यान रखना होगा, कॉमन पॉइंट पे ध्यान रखिए। सबसे पहले लोन डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, हाइपोथेसिस रखा हुआ है चेक कर लीजिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देख लीजिए, लोन एग्रीमेंट देख लीजिए, एनपीए हुए नहीं देख लीजिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसमें और एक वर्ड आया तो आपको आया हेल्दी टर्नओवर, और इसके साथ में है पेमेंट रिपेमेंट शेड्यूल देख लीजिए, प्रॉपर रिजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं लोन के लिए ओके। उसके बाद आपको मैंने अलग अलग कंपनी का पॉइंट दिया, इग्नोर करो उसको अभी के लिए, मतलब मैं अभी के पॉइंट पे, वो आप जब पढ़ोगे तो आप देख लेना, लेकिन ये पॉइंट मैंने आपको बताया भी है दोनों टाइम पे, ये मसाला आपको फटाफट गो थ्रू करना पड़ेगा, डोंट वेस्ट टाइम ऑन रिमेंबरिंग एवरीथिंग। इसके बाद कंडीशन लाइबिलिटी, ये रटी होना चाहिए, छह कंडीशन लाइबिलिटी है। सबसे पहला, क्लेम किसने किया है, बैंक के अगेंस्ट है लेकिन एक्नॉलेज अभी तक नहीं किया है। सेकंड पॉइंट, पार्टली पेड शेयर्स है। तीसरा सिनारियो, कोई फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है। चौथा सिनारियो, सबसे इंपॉर्टेंट, गारंटी दिया हुआ है। पांचवा सिनारियो, बिल्स डिस्काउंट किए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके, पर एक्सेप्टेंस हो सकता है, एंडोर्समेंट, लेटर ऑफ कंफर्ट, लेटर ऑफ ये क्रेडिट, ये चीज देते हैं। ये छह पॉइंट है, ये कौन सी गारंटीज है, ये कौन सी है, कंटिजन लाइबिलिटी। और ये होने के बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म मेरे को बताओ, एनपीए कब होगा, मोर देन 90 डेज, 90 डेज के ऊपर हुआ तो एनपीए ओके, कोई भी फैसिलिटी एनपीए हो जाएगी ना ओके। इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो एनपीए हो गया उसके लिए, अगर ये एग्रीकल्चर एडवांस है तो वन क्रॉप सीजन एंड टू क्रॉप सीजन ओके, इनको अगर ये एनपीए हो गया तो अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे मारना है, अपने पीएनएल में बुक नहीं करना है, कैश बेसिस एक्सेप्ट ओके, पांच चीज में, टर्म डिपॉजिट्स होंगे तो आप कैश नहीं अक्रूअल बेसिस पे करोगे, एनएससी, आईवीपी, केवीपी एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, इनके अगेंस्ट अभी भी आप अक्रूअल बेसिस पे डालते रहोगे, इसमें कहीं भी आपका लॉस नहीं होगा ओके। और यहां पर अपने और एक बोला था, एनपीए हुआ तो उसके क्लासिफिकेशन कैसे होंगे, तीन तरह के, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। कितने दिन तक सब स्टैंडर्ड में रहेगा, एक साल, 12 मंथ्स तक ओके, उसके बाद वो डाउटफुल में जाएगा 12 मंथ्स के बाद। और लॉस एसेट में कब जाएगा, अगर आरबीआई इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर बोले कि आरबीआई डालो, उसके बाद आपको इसको डालना होगा किसके अंदर, लॉस एसेट। इसके प्रोडेंशियल नॉर्म्स अपन ने बहुत सारे देखे थे, प्रोडेंशियल नॉर्म्स अगर आपको याद है, प्रोडेंशियल नॉर्म्स में अपने क्राइटेरिया सेट किया था, प्रोडेंशियल नॉर्म्स में क्या क्या देखा था ओके। यहां पर दो तरह की डिफिशियंसी हो सकती है, टेंपरेरी डिफिशियंसी एंड क्रोनिक डिफिशियंसी। क्रोनिक डिफिशियंसी कब होगी, 180 डेज के ऊपर ओके। क्या अपग्रेड हो सकता है एनपीए से, क्या वो स्टैंडर्ड एसेट बन सकता है, यस, लेकिन आपको खाली नोट करना होगा ईयर एंड पे ना हो, बैलेंस शीट डेट के नजदीक ना हो ओके। एनपीए कैसे करोगे आप, बोरोवर वाइज या फैसिलिटी वाइज, बोरोवर वाइज, खाली एक केस में फैसिलिटी वाइज होगा, कौन सा, एग्रीकल्चरल क्रेडिट ओके सोसाइटी कोई तो है, उस केस में आप कैसे करोगे, बोरोवर वाइज ओके, बोरोवर वाइज, सॉरी फैसिलिटी वाइज, इनको छोड़कर बाकी सब में बोरोवर वाइज एनपीए होगा। और ये होने के बाद आपके और एक था कंसोर्टियम, तो कंसोर्टियम में आपको समझाया था, अगर आपको आपका शेयर नहीं मिला आपके लिए वो एनपीए, भले ही कस्टमर ने वो पेमेंट किसके पास दिया, लेंडर बैंक ओके, तो भी आपके लिए वो क्या रहेगा, एनपीए। इसके साथ में अपन ने और एक दिखा था, अगर सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो गई, कितना, 50 से कम और 10 से कम, 50 से कम हुई तो डाउटफुल, 10 से कम हुई तो लॉस एसेट। और इसके साथ में अपन ने और एक देखा था, अगर मोरेटोरियम पीरियड है, मतलब कौन सा, जेस्टेशन, जब तक जेस्टेशन पीरियड नहीं होता है तब तक आप एनपीए उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। और एक कॉन्सेप्ट अपन ने देखा था, टेकआउट फाइनेंस, जिस दिन पे आप बुक्स में लेते हो, खाली आप ये ध्यान रखना उसका प्रोविजन, भले वो आप स्टैंडर्ड एसेट में डालो, स्टैंडर्ड एसेट में डालोगे, लेकिन आपको उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन की एंट्री है वो उसके हिसाब से देनी पड़ेगी, जैसे पहले डेट थी उसके हिसाब से आपकी प्रोविजन की एंट्री आएगी ओके। ये आपको एडिशनल पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने आपको ये बताया, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया, यू विल नॉट बी राइटिंग दिस आंसर, आपका आंसर क्या होगा,
होगा पहले वाला चार्ट, वो तीन पॉइंट में आपको लिखना होगा ओके, क्योंकि इतने आंसर में आपका काम नहीं होगा मालिक, ये याद रखना। आई मेड यू अंडरस्टैंड दिस वन ना व्हाइल फोकसिंग ऑन दैट। और ये होने के बाद अपन गए थे नेक्स्ट पॉइंट में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिटेल, जिसमें मेरे को ही नहीं समझा क्या सीनारियो है ओके, दिमाग पूरी मैंने करना नहीं है ओके, बस ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। मेरा क्वेश्चन है डिटेल के लिए, अगर मैंने पांच स्टेप्स पूछे तो पहले पांच स्टेप बोलो, फिर बाद में अंदर के मसाले में जाते हैं। सबसे पहले आप आरबीआई का सर्कुलेशन पढ़ोगे, सेकंड पॉइंट डिटेल का कैलकुलेशन चेक करोगे, तीसरा ब्रांच के कंसोलिडेशन चेक करोगे, चौथा कोई ब्रांच का ऑडिट नहीं हुआ रहेगा ओके, तो उसके लिए आप देखोगे रिटर्न अनऑडिटेड है तो आप क्या करोगे ओके बताओगे, और पांचवा पॉइंट वो रिपोर्ट में डिस्क्लोज करोगे। मैंने आपको ये बताया हुआ है, ये क्लियर बताया हुआ है कैसे क्या करना है। और अगर खाली ब्रांच के लिए क्वेश्चन आया तो कौन सा लिखोगे, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर पूरा बैंक के लिए आया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये रखना है। अब डिटेल में क्या क्या निकालना है और क्या क्या रखना है आपने ये नोट रखना है। तो क्या क्या निकालना है, अगर आपको याद है तो बैड डेट्स में कुछ पार्ट रिकवरी आ गई है, वो आपको डिटेल से क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। दूसरा पॉइंट ओके, अगर कोई अकाउंट कोई अमाउंट इंडियन करेंसी में मिला है लेकिन अगेंस्ट इंपोर्ट बिल अपने को पेमेंट करना है, वो बाकी है तो अपने को क्या करना है, माइनस करना है। तीसरा सिनेरियो इंटर बैंक ब्रांचेस के कोई बैलेंसेस बाकी है, माइनस करना है। एंड और एक है, अगर कोई मार्जिन मनी आपके पास आया तो उसको माइनस करना है। लेकिन ये चार चीजें आपको ऐड करनी है, कौन सा, नेट क्रेडिट बैलेंस आपको ऐड करना है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया मेरे को मतलब आइडिया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो सकता है ये आपको करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोरोइंग्स, बोरोइंग्स कुछ की होगी आपने, कौन से कंपनी से, फॉरेन बैंक से। एंड नेक्स्ट पॉइंट है नॉस्ट्रो अकाउंट, अगर अनअकाउंटेड है तो आपको चेक करना होगा। तो चार चीजें इंक्लूड क्या क्या करनी है मालिक, नेट क्रेडिट बैलेंस, इंटर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, पहले वापस बोल रहा हूँ, नेट क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो अगर आपको याद है तो सिक्स मंथली चार्ज करेंगे और अगले साल के पहले इसमें रिवर्स करेंगे, ये सिनेरियो लिखना है। तीसरा सिनेरियो आपका बोरोइंग किया है, किसे, फॉरेन बैंक से। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके नॉस्ट्रो अकाउंट, ये पॉइंट ध्यान रखना है, रिकंसिलेशन करना है। एवरी क्लियर मालिक, नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट अगर आपको याद है, बोरोइंग्स का मैंने आपको समझाया था, नॉस्ट्रो मिरर मतलब अपने इंडियन में ओके उधर का अकाउंट का कॉन्सेप्ट। तो जब अपन बोरोइंग्स करते हैं फॉरेन करेंसी में मतलब फॉरेन बैंक से बोरोइंग करते हैं तो वो बोरो करके अपन नॉस्ट्रो मिरर में रखते हैं, तो वो नॉस्ट्रो का इसलिए उसको नॉस्ट्रो मिरर में चेक करना जरूरी है। तो आप नॉस्ट्रो मिरर में भी चेक करोगे ये पैसा जो आया वो कहीं पर बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन बैंक्स नहीं आया। और इसके बाद आपके लिए और एक रेशियो है, कौन सा रेशियो देखना है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और इसके अंदर तेरे को बस क्या देखना है, सबसे पहला पॉइंट कैपिटल रिसोर्सेज बैंक के पास होने चाहिए, कितना मेंटेन करना है 9%, और इसका कैलकुलेशन दिया है कैपिटल फंड्स डिवाइड बाय रिस्क, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी रिस्क वाले एसेट्स है वो मल्टीप्लाई बाय एंड प्लस करोगे ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ये आपको चेक करना होगा ओके। और ये सिनेरियो होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको है इंटर ब्रांच ओके स्टेटमेंट, जो भी होगा वो इग्नोर करो आप, वो लास्ट वाला पॉइंट ओके। दैट्स हाउ योर सिनेरियो कम्स विद योर बैंक ऑडिट। एवरीडे क्लियर बैंक ऑडिट, अरे आत्मा हाँ या ना ओके। बैंक ऑडिट में तूने क्या करना है, सारा का सारा दिखना है, खाली दो ही चीजें तू इग्नोर कर सकता है, कौन सा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड वेरिफिकेशंस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड वेरिफिकेशन। मालूम है ना यार, इग्नोर कर सकता है मतलब क्या बोला मैंने, रटने का पॉइंट मत करना, बाकी सब रटने की कोशिश करना ओके, ये सिनेरियो रखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है तेरे लिए इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का पॉइंट जब तेरे लिए आ गया तो इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट में तेरे पास कवर क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कौन सा पिच पर है, हाँ 128 इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में आया सबसे पहले तेरे पास दिया हुआ है प्रोविजंस, प्रोविजंस में मैं ज्यादा दिमाग फोड़ी नहीं करूंगा क्योंकि आंसर इजी है ओके। मेरे को बताओ अपॉइंटमेंट ऑफ इंश्योरेंस ऑडिटर कौन करेगा, कैग, खाली कौन से केस में, जीआईसी, लेकिन अदर एलआईसी केस में ओके एजीएम में होगा एज पर इडा के रेगुलर, एजीएम में होगा एज पर इडा रेगुलेशंस। एवरी क्लियर ओके। एक कंपनी के पास कौन से ऑडिट, कितनी मैक्सिमम ऑडिट हो सकती है, एक मेंबर के पास मैक्सिमम कितनी इंश्योरेंस की ऑडिट हो सकती है, तीन, और तीन में से याद रखना दो, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई भी कॉम्बिनेशन दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी तीनों जीआईसी नहीं हो सकती या तीनों एलआईसी नहीं हो सकती, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। और इसके अंदर जब मैं जीआईसी बोला तो आपको मैंने बताया जीआईसी के अंदर क्या क्या कवर हो रहा है, तो फायर, मरीन ओके, मिसलेनियस मतलब जो भी है, प्रोफेशनल लाइबिलिटी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब इसमें आएगा, एलआईसी यानी अलग है, बात खत्म। और इसके बाद आता है तेरे लिए पहला क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड ऑडिट ऑफ प्रीमियम, ये पूरी पंचायती है ओके, पंचायती मतलब पंचायती डिस्कशन है। सबसे पहला ऑडिट ऑफ प्रीमियम, मैं खाली रिपीट कर रहा हूं पर इसको आपको ध्यान रिपीट करते करते गो थ्रू करना है। सबसे पहले खाली याद रखना इसमें को इंश्योरेंस डालोगे, री इंश्योरेंस नहीं डालोगे, मैंने ये पॉइंट आपको उस दिन समझाया था अच्छे से ओके। तो सबसे पहले क्या देखोगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बरोबर है क्या, आरडी रेगुलेशन तुमने फॉलो किया है, नो रिस्क एजम्पशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नो रिस्क एजम्पशन, अनलेस एंड अंटिल आपको प्रीमियम नहीं मिला तब तक आपने रिस्क एज्यूम नहीं किया। उसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्निशन बरोबर किया क्या, प्रीमियम एडवांस में मिला बरोबर दिखाया है क्या, कलेक्शन लॉज बाय एजेंट्स ओके, एजेंट लॉज कर रहे हैं उसका क्या सीन है। उसके बाद को इंश्योरेंस का अपने को प्रीमियम बरोबर मिला है क्या, कट ऑफ पीरियड में बरोबर डाला है कि नहीं। और इसके साथ में आपको रिफंड अगर कोई आया है, आपने 15 दिन में रिफंड दिया, 20 दिन में रिफंड दिया, जो भी काट के रिफंड दिया वो बरोबर हुआ
हुआ कि नहीं, उसके साथ में आपका अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्विस टैक्स और जीएसटी, मैंने अभी बोला जीएसटी का पॉइंट आ जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके लिए प्रीमियम रजिस्टर चेक करो, ये होने के बाद आपके लिए आता है क्लेम्स प्रोविजन, क्लेम्स प्रोविजन देना है। क्लेम्स प्रोविजन में ओके अनसेटल्ड क्लेम्स कौन से है वो होने चाहिए। दूसरा सिनेरियो ओके क्या करने का, रिस्क विच वॉज कवर्ड उसके लिए होना चाहिए। बैलेंस शीट्स आपको चेक करनी जरूरी है, एक्सपर्ट्स के यूसेज किए हैं कि नहीं बरोबर चेक करना जरूरी है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्लेम्स प्रोविजन। इसमें और एक पॉइंट होगा ओके यहाँ पर अंडर इंश्योरेंस होगा तो आपको कितना पे करना है, एवरेज क्लॉज ओके। और इसके साथ में अगर आपको देखा ओके ब्रांच कोई दूसरे ब्रांच में आ रहेगा तो याद रखना किसी और ब्रांच में क्लेम प्रोविजन नहीं होगा वो ओके। यानी एग्जांपल एक चेन्नई के ब्रांच में हुआ और मेरे मुंबई के ब्रांच में हुआ ओके, गाड़ी का इंश्योरेंस मुंबई से हुआ लेकिन चेन्नई में एक्सीडेंट हुआ, चेन्नई में एक्सीडेंट हुआ तो चेन्नई से इंश्योरेंस क्लेम हुआ ना, तो ये ब्रांच को क्लेम प्रोविजन में रखना पड़ेगा क्योंकि उसको पेमेंट बाद में ब्रांच टू ब्रांच देना पड़ेगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इन लोग ने और एक बोला हुआ है कि इंटीमेशन ऑफ लॉस बरोबर रीजनेबल टाइम में होना जरूरी है ओके। अगर क्लेम पेड है तो देख लीजिए दो चीज आपको बोली है, को इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। अगर आपने कोर्ट में कुछ पैसा एडवांस में डिपॉजिट किया है तो इसका इमीडिएट पैसा आप कोर्ट में, अगर एडवांस में कुछ दिया, एडवांस मतलब क्या, कोर्ट हियरिंग में है ओके, डिस्प्यूटेड केस है और एडवांस में दिया हुआ है, ये क्लेम पेड में नहीं आना चाहिए, ये एडवांस विद कोर्ट होना चाहिए। जब कोर्ट का डिस्कशन आएगा डिस्प्यूट पूरा सेटल होगा उसके बाद दिखेंगे। एंड और एक कॉन्सेप्ट दिया है ओके, जिसने भी जिसे भी पैसा दे दिया तो आपके पास क्या होना चाहिए, अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज लेटर, अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज लेटर, यानी अभी कोई अपनी पेनल्टी या अपनी लाइबिलिटी बाकी नहीं है। और इसके बाद आपको रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे, रिकॉर्ड्स ऑफ प्रीमियम क्या चेक करोगे, तो इन लोग ने देखा हुआ है क्या क्या रजिस्टर मेंटेन करने चाहिए, तो एक लिस्ट दी हुई है, क्लेम इंटीमेशन रजिस्टर होना चाहिए, क्लेम पेड होना चाहिए, क्लेम डिसबर्समेंट होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था क्लेम पेड और डिसबर्समेंट में क्या फर्क है, क्लेम पेड में अप्रूव हुआ है, क्लेम डिसबर्समेंट में चेक चला गया है। और इसके बाद और एक दिया, क्लेम फॉर्म्स, फोटोग्राफ, अदर पुलिस रिपोर्ट, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है क्वालिटी एश्योरेंस टीम, एंड और एक है सेल्वेज रजिस्टर। सेल्वेज का मैंने आपको बताया ऐसा हो सकता है वो लोग आपको पूरा इंश्योरेंस ले लो और गाड़ी आपके पास आ जाए, ऐसा भी कंसेप्ट हो सकता है, तो मेक इट श्योर ये आपके पास रजिस्टर मेंटेन हो। और इसके साथ है कमीशन, कमीशन का पॉइंट एडिशनली देखना होगा, कमीशन में देखो क्या करना है, कमीशन में सबसे पहले डिसबर्समेंट एंट्री चेक करनी है, कमीशन इसके हिसाब से गया है कि नहीं, ऑथराइज जिस ऑफिसर, जो भी ऑफिसर इंचार्ज है उसने बरोबर ऑथराइज किया है या नहीं, करेक्टनेस ऑफ अमाउंट चेक कर, एजेंट लेजर के चेक कर और कमीशन आउट गो ओके। ये कमीशन के बारे में तेरे को चेक करना होगा ओके। कमीशन वाले पॉइंट पे चेक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक आता है, इन्वेस्टमेंट, किसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ओके, इंश्योरेंस कंपनी ने, इसका वापस तेरा कॉपी पेस्ट एनबीएफसी जैसे आता है। इन्वेस्टमेंट वापस फिजिकली वेरीफाई कर, डीमैट अकाउंट चेक कर, रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेक कर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं आया है ओके। ऐसा हो सकता है कोई, अगर आप होल्डिंग कंपनी हो ओके, तो आपके नॉमिनीज कोई होल्ड करते होंगे तो वो चेक कर ले, कोई इन्वेस्टमेंट किसी और के नाम पे, वैल्यूएशन चेक कर और इन्वेस्टमेंट का इनकम बरोबर कैलकुलेट करके बरोबर डाला हुआ है कि नहीं ये चेक कर। ये होने के बाद तेरे पास और एक है जो मैंने बताया था कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा ये अपने को आइडिया नहीं है, पर ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, अगर आपका कोई प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है तो चार चीजें चेक करो, सबसे पहले कंट्रोल अकाउंट चेक करो, इनऑपरेटिव ओल्ड बैलेंसेस चेक करो, यानी आपको क्या करना है मालूम, क्या प्रीमियम का नंबर लेना है, मतलब जो भी अकाउंट का नंबर लेना है, एलआईसी नंबर लेना है, उसके सामने चेक करना है ओके। ये चेक करने के बाद तीसरा पॉइंट है ओल्ड प्रोविजंस की चेक करो, और उसके सामने एज वाइज और क्लास वाइज सेक्टर वाइज आपको डिफाइन करना होगा ओके। टाइप्स ऑफ उसके पहले और एक पॉइंट है जो मैंने लिखा नहीं था, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व कितना देना है, रिजर्व प्रोविजंस कितना देना है, 10-50% एंड 100%, किसके बारे में, फायर 50% एंड मरीन 100%। टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस कितने हैं, दो प्रकार के, फैकल्टेटिव एंड ट्रीटी। फैकल्टेटिव मतलब जो ट्रीटी में नहीं आता, ट्रीटी में दो तरह के होते हैं, प्रोपोर्शनल एंड नॉन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल में चार चीजें अगर तेरे को याद है तो, कौन सी, कोटा शेयर ट्रीटी, सरप्लस, ऑटो फॉर सरप्लस, एंड लास्ट पॉइंट है ओके पूल अकाउंट, या एवरीडी क्लियर, ये चार रहेंगे। और नॉन प्रोपोर्शनल में कितने, एक्सेस लॉस एंड स्टॉप लॉस, नाम से मालूम पड़ रहा है स्टॉप लॉस में हम लोग बोल रहे हैं इतना ही लॉस मैं रिकवर करूंगा, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। और इसके अपने पॉइंट्स देखे हुए थे, प्लीज ये अच्छे से याद रखना, इसमें मैंने आपको बोला छह पॉइंट तो कम से कम याद रखना ओके। ऑडिट ऑफ रीइंश्योरेंस और ऑडिट, रीइंश्योरेंस इनवर्ड और रीइंश्योरेंस आउटवर्ड, इसमें गड़बड़ मत करना मालिक। तो रीइंश्योरेंस इनवर्ड में तूने क्या क्या देखा, सबसे पहले आरडी के रेगुलेशन देखे, दूसरा एग्रीमेंट चेक किया, तीसरा स्टेटमेंट चेक किया, चौथा पॉइंट क्या देखा, प्रीमियम, पांचवा पॉइंट क्लेम, खाली क्लेम सामने वाले में क्या लिखा गया तू ओके, कैश लॉस रिकवरीज, ये पांच चीजें भूल मत भाई मेरे। और नेक्स्ट दो पॉइंट को देखना है ओके, यहां पर अपन के और दो पॉइंट क्या है ओके, प्रोविजंस के बराबर दिया है और प्रॉफिट कमीशंस का दिया हुआ है, ये पॉइंट एडिशनल है तेरे को याद रहा था। और यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन किया होगा किसने किया होगा, एक्चुअल एस्टिमेट्स बराबर किए कि नहीं ओके। बट मेरे लिए इतने सारे आइटम मेरा मैटर नहीं करते, तू एटलीस्ट पहले वाले पांच पॉइंट में गड़बड़ मत करना। क्या क्या रहेगा, आईआरडीए रेगुलेशन, एग्रीमेंट, पीरियडिक स्टेटमेंट ओके, प्रीमियम,
क्लेम्स, ये पॉइंट पांच याद रख। और इसके अलावा तेरे को और कुछ याद रखना है तो प्रोविजंस बराबर दिए हैं, और इसके साथ में रिस्क प्रॉफिट कमीशन जो भी रहेगा, तो प्रोविजंस एंड प्रॉफिट कमीशन, एंड लास्ट पॉइंट क्या रहे पास रहेगा, ओके एक्चुअल एस्टिमेट्स के हिसाब से पेमेंट किया हुआ है। ओके गड़बड़ मत करना इसमें, रटने का पॉइंट मतलब इसमें ऐसे ही रखना। और इसके बाद है को इंश्योरेंस, को इंश्योरेंस मैंने लिखा नहीं था, को इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल थे। को इंश्योरेंस में दो है, कौन से को इंश्योरेंस, इनकमिंग एंड को इंश्योरेंस आउट गोइंग। इनकमिंग में देख तेरे को क्या देखना है, प्रीमियम बरोबर क्रेडिट हुआ है तेरे पास। सेकंड पॉइंट, तेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है वो 30% है या क्या है, तो एडवाइस ले ले वो तेरा कितना है शेयर, ओके तो एडवाइसेस ले। तीसरा सिनेरियो, ओके रिटर्न कंफर्मेशन कर ले, एंड लास्ट पॉइंट क्लेम प्रोविजंस बरोबर कर, क्योंकि तेरा क्लेम प्रोविजन 100% नहीं होगा, तेरा क्लेम प्रोविजन कितना होगा खाली 30% जितना तेरा शेयर है। और अगर आउटगोइंग है तो तेरे को दो ही चीज देखनी है, आउटगोइंग कितना किया है और तूने 100% रिस्क नहीं लिया हुआ है, तेरा जितना आउटगोइंग है वह उतना छोड़ के तेरा रिस्क बचा रहेगा, तो आउटगोइंग को इंश्योरेंस के लिए वही देखना है। इसके बाद वाला सॉल्वेंसी मार्जिन है, एवरी टाइम ओके इंश्योरेंस कंपनी नीड टू मेंटेन हाउ मच, ओके विच शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ क्या मिनिमम कैपिटल, किसके ऊपर, एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज। तो मिनिमम तेरा 50% ऑफ क्या होना चाहिए, कैपिटल, यानी तेरा कैपिटल कितना होना चाहिए, एसेट लाइबिलिटी कंपेयर करें तो मेन शॉट कितना है, टोटल अमाउंट आया तो तेरा कैपिटल 50% होना चाहिए, ये पॉइंट है। इन शॉर्ट ये पॉइंट तो है ना, 50% तेरा मिनिमम किसमें होना चाहिए, कैपिटल, एसेट टोटल निकाल उसका 50% तेरा कैपिटल होना चाहिए, बात करता ये तेरे को डिफरेंस 50% के ऊपर ही होना चाहिए, 50% के नीचे गया तो सॉल्वेंसी लग गई, तो फिर तेरे को प्रिपेयर करके देना पड़ेगा, और फिर तू नहीं इंश्योरेंस एंड अदर थिंग्स करता है, याद है ना मालिक। और इसके साथ में और एक है कंटिजेंट लायबिलिटी, सेम सिनेरियो, गो हेड विद कंटिजेंट लायबिलिटी। कौन से पॉइंट है, ओके पार्टली पेड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके क्लेम एक्नॉलेज गारंटी, ये तीन तो कॉपी पेस्ट है, एवरी क्लियर। और इसके अलावा तेरे पास तीन पॉइंट आते हैं, अंडर राइटिंग कमिटमेंट्स होते हैं, ओके उसके अलावा स्टैट्यूटरी डिमांड्स है और री इंश्योरेंस। तो अंडर राइटिंग कमिटमेंट, स्टैट्यूटरी डिमांड्स एंड री इंश्योरेंस, अंडर राइटिंग कमिटमेंट, स्टैट्यूटरी डिमांड्स, री इंश्योरेंस, अंडर राइटिंग कमिटमेंट, स्टैट्यूटरी डिमांड्स, री इंश्योरेंस। छह पॉइंट कौन से है, पहला पॉइंट क्लेम क्लेम क्लेम, दूसरा पॉइंट पार्टली पेड, तीसरा गारंटी, तीन पॉइंट उधर से लो, तीन पॉइंट क्या है, अंडर राइटिंग, स्टैट्यूटरी डिमांड एंड री इंश्योरेंस, इनके पॉइंट रहेंगे। इनके आपको क्या देनी पड़ेगी, कंटीजन लाइबिलिटी, एंड लास्ट पॉइंट है ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस, ये कौन लेता है, बायर या सेलर, सेलर काय के लेता है, बायर पैसा नहीं दे पाएगा, और नहीं दे पाएगा उसके कारण अपने को दिए हुए कि इंसॉल्वेंसी हो गई, दे नहीं पा रहा है, और कुछ ऐसा है के इवेंट आउटसाइड द कंट्रोल है, लेकिन इसके लिए आपको क्राइटेरिया दिया है। सबसे पहला तेरे को पैसा मिला नहीं होना चाहिए, दूसरा सिनारियो तूने कुछ नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फैक्टरिंग, तीसरा सिनारियो तूने जो गुड्स बेचे होंगे वो फेयर मार्केट वैल्यू में होना चाहिए, और तूने प्रीमियम बरोबर टाइम पे किया, और कुछ है एडिशनल पॉइंट तो रहेगा। एंड लास्ट वाला पॉइंट पोर्शन इसके अंदर है आपके पास, कौन से वाले पॉइंट है, ओके दिस इज ओनली फॉर एप्लीकेबल फॉर न्यू सिलेबस, ओके एलआईसी पॉलिसीज कितने तरह की है, तो सबसे पहला टर्म प्लान होना चाहिए, एंडोमेंट टर्म प्लान हो सकता है जिसमें आपको क्या मिलता है, पैसा मिलेगा क्या, नहीं, ओके खाली आपको कुछ डेथ वेथ हुई तो आपको पैसा मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, एंडोमेंट पॉलिसी, अगर टर्म एंड हो गया तो पैसा मिलेगा। मनी बैक पॉलिसी, इट इज नथिंग बट एंडोमेंट पॉलिसी। होल लाइफ टर्म प्लान और होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है, टर्म प्लान इज फॉर ए पीरियड, होल लाइफ इज फॉर पूरा लाइफ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज यूलिप, आपसे पैसा लिया जाता है, यूनिट में इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद है पेंशन, आपको एंड में पेंशन दी जाती है। एन्युइटी, मैंने आपको बताया था आपका रेंट जैसे इनकम आता है ना वैसे एन्युइटी इनकम आता है, ओके आपको इंस्टेड ऑफ, अभी मेरे पास भाई 10 लाख रुपए, 10 लाख में तो कोई घर आएगा ही नहीं, 10 लाख मैं इंस्टमेंट डालूंगा, एन्युइटी प्लान ले लूंगा, और हर महीने रेंट जैसे इनकम आता है वैसे हर महीने इनकम आते रहेगा, दैट इज कॉल्ड एन्युइटी प्लान। और उसके साथ है ग्रुप इंश्योरेंस जिसमें कंबाइंड इंश्योरेंस अपन करते हैं, एंड लास्ट पॉइंट है अदर्स, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। और इसमें ऑडिट में अपन को क्या करना है, पांच एरिया चेक करना है। सबसे पहला एक्चुअल बरोबर काम कर रहा है कि नहीं, ये तेरे को चेक करना है। दूसरा सिनेरियो अंडर राइटिंग वाला पॉइंट, ओके सेकंड वाले पॉइंट में जाना मत, मैंने बोला था सेकंड वाला पॉइंट किसके लिए, फर्स्ट वाला इज एक्चुअल, सेकंड वाला है रोल ऑफ ऑडिटर फॉर एक्चुअल, ओके फर्स्ट एंड सेकंड इज फॉर एक्चुअल ओनली, सो ओके उसके बाद तेरा पॉइंट क्या है, अंडर राइटिंग चेक करना है, ओके अंडर राइटिंग वाला पॉइंट है, इसमें मैंने अंडर राइटिंग वाला प्रोसेस मैंने तेरे को बताया था, समझाया था। तीसरा री इंश्योरेंस, चौथा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके फ्री लुक कैंसिलेशन, मतलब क्या, तूने एग्रीमेंट देखने के बाद तेरे को कैंसिलेशन कितने दिन का रहता है, 15 दिन, ओके okay, और इसके बाद है पॉलिसी लैप्स एंड रिलेवेंस, लैप्स होना मतलब क्या होना, टर्मिनेट होती है क्या पॉलिसी, नहीं, ओके okay, क्या होता है, एक्सपायर नहीं होती है, तुमने प्रीमियम पे नहीं किया और वापस करना होगा तो रिव्यूअल सर्टन कुछ आपको एडिशनल पेमेंट करके आप रिव्यू कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट है मेरे को नहीं करना है पॉलिसी सरेंडर, एवरी क्लियर मालिक, ये पॉलिसी सरेंडर का पॉइंट है, ओके यहां तक पक्का क्लियर है, ये हो गया तेरा इंश्योरेंस का पॉइंट, ओके इंश्योरेंस खत्म होने के बाद अब तेरे पास बचता है एक दो चीज, एक है एलओडीआर और एक है इन्वेस्टिगेट, ये दो करते हैं उसके बाद अपन फिर थोड़ा टाइम आउट लेते हैं, ओके फिर मैं वो प्रोफेशनल एथिक्स में जाता हूं। तो ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले एक एलओडीआर का अपडेट कर दो, एलओडीआर खत्म कर दो, एलओडीआर का सिनेरियो याद रख लेना, एलओडीआर पेज नंबर क्या है, 118,
एलओडी यार, ये तो याद आना चाहिए मेरे बाप, ये तो याद आना चाहिए भाई। ये एलओडीआर में, एलओडीआर में सबसे पहला व्हाट आर द इश्यूज विच आर कमिंग इन एलओडीआर। ओके एक सेकेंड, ओके पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द इश्यूज विच आर कमिंग इन एलओडीआर। सबसे पहला पॉइंट क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा क्या है? ऑडिट कमेटी। तीसरा क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट एंड विजिल मैकेनिज्म। चौथा क्या है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वाला पॉइंट। नेक्स्ट वो है सब्सिडरी एंड रिलेटेड पार्टीज। और इसके साथ और एक पॉइंट है, ओके मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। कंप्लायंस सर्टिफिकेट दो, कंप्लायंस सर्टिफिकेट दो। एंड लास्ट पॉइंट है इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर। ओके विच सिक्योरिटीज आर लिस्टेड देन ओनली एलओडीआर इज एप्लीकेबल फॉलोइंग सिक्स सिक्योरिटीज। तो व्हाट आर द सिक्स सिक्योरिटीज? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, डेप्ट और प्रिफरेंस शेयर है। लेकिन उसके मैंने चार पॉइंट बताए हुए हैं। ओके आपको कैसे लिखने हैं? ओके वो ठीक है, पर चार पॉइंट का है याद है ना, डेप्ट एंड प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? ओके सिक्योरिटाइज्ड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल फंड एंड एनी अदर स्पेसिफाइड। ओके इसके बाद तेरे पास आता है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का अपना अपना पॉइंट है, ये तू ध्यान रख लेना, रट लेना ये पोर्शन में। सबसे पहले ऑडिट कमेटी में क्या आता है? कंपोजिशन, कितने डायरेक्टर होना चाहिए? तीन। ओके बॉस क्या ऑडिट कमेटी में कंपोजिशन में एटलीस्ट टू थर्ड कौन होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके ऑल फाइनेंशियल लिटरेट होने चाहिए, डिटेल ऑफ फाइनेंशियल एंड अकाउंट। ओके एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसको डिटेल ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट आना चाहिए। ओके चेयरमैन कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ईजीएम में कौन आएगा? चेयरमैन। एंड कंपनी का सीएस विल बी सीएस फॉर ऑडिट कमेटी। सेकंड सिनेरियो, मीटिंग कितनी बार होनी चाहिए? चार बार, 120 दिन। ओके दो या वन थर्ड, सेम सिनेरियो। ओके और पावर्स क्या होंगे? चार, इन्वेस्टिगेट करना, इंफॉर्मेशन मंगाना, लीगल और प्रोफेशनल एडवाइस लेना, एक्सपर्ट को बुलाना। और ये पावर करने के लिए रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायती है, याद भी नहीं रखा तो चलेगा, लेकिन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फाइनेंशियल। ओके नहीं, सबसे पहला क्या रहेगा? ओके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को पूरा चेक करना। ओके स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज, इंटरनल ऑडिट का पॉइंट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के पॉइंट, लीगल केसेस का पॉइंट देखने का। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिस्टिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट्स फोकस करने का। मॉडिफाइड ओपिनियन आया तो उसका कुछ उनको स्टेटमेंट बनाने का, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस। और इसके साथ में अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके मैंडेटरी एरियाज टू बी रिव्यूड, ये रटना है। कितने मैंडेटरी एरियाज है? छह। सबसे पहला एरिया क्या रखेगा? एमडीए। सेकंड क्या रखेगा? आरपीटी। तीसरा पॉइंट लेटर ऑफ वीकनेस। चौथा पॉइंट इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट। पांचवा सीआई, यानी तीन चीजें इंटरनल कंट्रोल के रिलेटेड है। एंड लास्ट पॉइंट है अगर स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, अगर याद है तो अपन कल कारों में भी ये रिपोर्ट कर रहे थे कि आईपीओ और एफपीओ में कुछ स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन आया तो वो आपको लिखना पड़ेगा, याद है ना कारों में। ओके वही क्लॉज में अपन ने रिपोर्ट किया। ऑडिट कमेटी का पॉइंट होने के बाद तेरे पास आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, घाई मत करना, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। और ये हो गया तो फिर एलओडीआर तो वैसे ही खत्म है। ओके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? कंपोजिशन क्या होना चाहिए? ओके एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 50% कौन होना चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव, उसमें से वुमन डायरेक्टर होना जरूरी है। लेकिन आगे से टॉप 500 लिस्टेड कंपनी और टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में वन वुमन डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिनिमम। ओके उसके बाद आपको दिया है ओके मिनट्स ऑफ मीटिंग से तेरे को मालूम पड़ेगा एग्जीक्यूटिव कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव कौन है। इसके साथ में चेयरमैन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो वन थर्ड कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। हाफ ऑफ द डायरेक्टर कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। ओके इसका होगा ये अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है। लेकिन अगर 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 नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सन है लेकिन वो पर्सन प्रोमोटर है, प्रोमोटर का रिलेटिव है, या टॉप मैनेजमेंट का बंदा है, या वन लेवल नीचे है, फिर भी आपको हाफ ऑफ द मेंबर्स कौन होने चाहिए? कौन होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। और इसके बाद आपको मैंने बताया हुआ है कि भाई ओके टॉप 1000 एंड टॉप ओके 2000 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? छह। और इसके अलावा 1 अप्रैल से या आगे से पॉइंट है ओके तभी नहीं है ओके 1 अप्रैल 20 से ओके आपका चेयरमैन हमेशा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही रहेगा। और एक पॉइंट आपको और एक क्राइटेरिया था, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपका कितने एज के ऊपर नहीं होना चाहिए? 75 अगर रहा तो ओके एसआर पास करना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑलरेडी कवर हो जाता है आपके चैप्टर 3 में ऑफ लॉ में। ओके तो इसीलिए हो जाता। ओके मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। ओके अब पब्लिक कंपनी में आप कितना ले सकते हो उससे मेरा क्वेश्चन नहीं है। पब्लिक में 10 ले सकते हो एज पर कंपनी लॉ। ओके लेकिन एज पर एलओडीआर आप पब्लिक कंपनी की बात नहीं हो रही है, लिस्टेड में कितने हो सकते हो? 8 और अगले साल से 7। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने में बन सकते हो? 7। ओके लेकिन अगर कोई कंपनी में आप एमडी हो तो 3 में मैक्सिमम बन सकते हो, ये आपको ध्यान रखना होगा। एवरी क्लेम मालिक। और ये जब कैलकुलेशन करेंगे वी आर कंसीडरिंग ओनली विच शेयर्स? इक्विटी शेयर्स। ओके आपके ऑब्लिगेशन एकदम क्लियर कट है। ओके यहाँ पर आगे की पॉइंट एकदम क्लियर है। मीटिंग कितनी बार होनी चाहिए? 4 बार, 120 दिन। कोरम क्या होना चाहिए? 1/3 और 3, ये अलग है, 3 वाला पॉइंट है। ओके विच एवर इज हायर। और इसमें से एक कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इसमें कमेटी जो होगी वो कितनी कमेटी में मेंबर बन सकता है? तू 10 या 5। जब ये 10 और 5 कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग खाली लिस्टेड कंपनी नहीं करेंगे, लिस्टेड कंपनी प्लस अनलिस्टेड पब्लिक
पब्लिक कंपनी, ये करेंगे। और ये 10 और 5 के टाइम पे कैलकुलेशन किसका किया जाएगा? ओके, ऑडिट कमेटी प्लस सीएसआर नहीं, ओके स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ये दो होगी, बाकी नहीं होगी। एवरी क्लियर? और ये होने के बाद आपके लिए अगर एडिशनल पॉइंट डिस्क्लोजर देना है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो, रिमूवल रेजिग्नेशन हो गया तो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का हुआ तो आपको कितने महीने में अपॉइंट करना है? रीअपॉइंट 3 महीना या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर। एंड लास्ट पॉइंट है आपको बोर्ड को ओके सक्सेशन प्लान देना जरूरी है कि अगर भाई मैनेजिंग डायरेक्टर छोड़ता है क्या होता है, फिर कैसे आगे जाएगी, ये पॉइंट। ओके, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एडिशनल पॉइंट देखा था अपने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन। ओके, इंटीग्रिटी वाला बंदा होना चाहिए, प्रमोटर नहीं होना चाहिए किसका? ओके, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट छात्री, ओके रिलेटिव नहीं होना चाहिए किसका? छास। ओके, इसमें क्या था? प्रमोटर नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है? पेकुनरी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, पर अपनी पेकुनरी रिलेशनशिप 1 भी रुपए की नहीं होनी चाहिए छास में। और रिलेटिव की कितनी होनी चाहिए? 2% और 50 लाख, विच एवर इज हायर उतनी चल जाएगी। ओके, उसके बाद केएमपी नहीं होना चाहिए, या अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? ओके, जो बंदा है और साथ में रिलेटिव। ओके, केएमपी नहीं होना चाहिए या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, किसमें? छास में। कितने साल में? पिछले 3 साल, ऊपर में पिछले 2 साल थे, यहाँ पर कितने साल है? पिछले 3 साल, केएमपी और एम्प्लॉय। छास में तू सीए नहीं होना चाहिए, सीएस नहीं होना चाहिए या सीडब्ल्यूए नहीं होना चाहिए, ओके पिछले कितने साल में? 3 साल। और तू लीगल फर्म नहीं होना चाहिए पिछले 3 साल में, पर उसके पास तेरे पास 10% के ऊपर रेवेन्यू नहीं आना चाहिए, याद है ना मालिक? ओके, इसका अपना रिक्वायरमेंट था। और इसके बाद अपन ने और एक बात किया था, ओके 2% के ऊपर वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए। और तू सेक्शन 8 कंपनी का तू क्या नहीं होना चाहिए? डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए या 2% ऑफ वोटिंग राइट्स नहीं होना चाहिए जिस सेक्शन 8 कंपनी में 25% ऊपर से रेवेन्यू किससे आता है? छास प्लस प्रमोटर प्लस डायरेक्टर, इनसे आ रहा है। और इसमें और एक पॉइंट था, एज लेस देन 21 नहीं होना चाहिए। और एक पॉइंट मैंने बताया था, यू शुड नॉट बी मटेरियल सप्लायर, ओके मटेरियल कस्टमर, ओके लीज लेजर लेजी। मैंने आपको कारण बताया क्योंकि इसमें 0 अमाउंट है। अगर कंपनी एक्ट में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि उधर परसेंटेज परमिटेड है। ओके, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें और एक था, अगर आपको याद है पंचायती थी, ओके अगर तू किसी कंपनी का नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ओके और तेरी कंपनी में कोई और कंपनी का नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो उस कंपनी में तू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। मेरे ख्याल से वो एग्जांपल याद रहेगा आपको। ओके, ये अपन ने डिस्कस किया था, याद है ना मालिक? और इसके बाद आपके लिए ऑब्लिगेशन के बाद आपके और 2-3 थे, रेमुनरेशन का पॉइंट है, रेमुनरेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेमुनरेशन पूरा क्लियर कट होना चाहिए, वेबसाइट पर डिस्क्लोजर होनी चाहिए, एनुअल रिपोर्ट में क्लियर कट मेंशन करना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या आना चाहिए? ओके, रेमुनरेशन कितना दिया है, पैकेज क्या है, फिक्स परसेंटेज कितना है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कितना है, स्टॉक ऑप्शंस कितने हैं। और अप्रूवल में, मतलब जब अप्रूवल लेना है तो मैंने आपको बताया था फीस के लिए, ओके मैंने आपको बताया स्टॉक ऑप्शन आप दे नहीं सकते। ओके, अप्रूवल में आपको ये दिया हुआ है फीस एंड अदर थिंग्स का पॉइंट, आपको यह स्टॉक ऑप्शन देना है। किसको देना है स्टॉक ऑप्शन? ओके, नॉन एग्जीक्यूटिव को। तो आपको क्या लगेगा? ओआर लगेगा, तो ही आप मेंबर को किसको स्टॉक ऑप्शन दे सकते हो, कौन से डायरेक्टर को? नॉन एग्जीक्यूटिव। ओके, देखो स्टॉक ऑप्शन होता है एम्प्लॉयज के लिए, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दो, नॉन एग्जीक्यूटिव का के लिए स्टॉक ऑप्शन। ओके, तो वो है नहीं एम्प्लॉय, तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? ओआर। दूसरा पॉइंट अपन ने बोला है सेटिंग फीस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओके एसआर पास करना पड़ेगा अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 50% से ज्यादा मिल रहा है, मतलब बाकी बैलेंस नॉन एग्जीक्यूटिव से। और दूसरा, अगर आप अगर एमडी हो, ओके यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, और अगर अकेले को 2.5 और 5 करोड़ से ज्यादा मिल रहा है एसआर पास करो, और अगर कंबाइन है तो कंबाइन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 5% से ज्यादा मिल रहा है तो क्या करो? एसआर पास करो, 5% ज्यादा है। ओके, यानी अगर कंपनी एक्ट पढ़ोगे तो कंबाइंड डायरेक्टर्स को कितना मिलता है कंपनी एग्जीक्यूटिव को? 10%। यहाँ पर 10% का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर कितना है? 5%। 5% के ऊपर एसआर पास करना पड़ेगा। आत्मा क्लियर है? ओके, ये होने के बाद तेरे पास तो अगला पॉइंट में तो कोई डिस्कशन है ही नहीं, अगले पॉइंट में पंचायती आंसर है, तो जस्ट डिस्कसिंग इट आउट। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट एंड विजिल मैकेनिज्म। कोड ऑफ कंडक्ट में तेरे पास कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, तूने कंप्लायंस करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिखने चाहिए, वेबसाइट पे डिस्क्लोज होना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट्स में डिक्लेरेशन होना चाहिए। और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट और विजिल मैकेनिज्म में जेन्युइन कंसर्न, विजिल मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, जेन्युइन कंसर्न रेज करने के लिए विजिल मैकेनिज्म होना जरूरी है। विजिल मैकेनिज्म में जो विक्टिम होगा उसका सेफगार्डिंग करना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, डायरेक्ट एक्सेस टू ऑडिट कमेटी होना चाहिए और ये वेबसाइट पे होना चाहिए। इसके बाद तेरा रिलेटेड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, टॉप 500 लिस्टेड कमेटी को रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होना जरूरी है। 4 चीजें इसकी, कंपोजिशन होना चाहिए, टॉप 100 लिस्टेड कंपनी को रिस्क मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म करना जरूरी है, जिसका कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसमें मैक्सिमम नंबर कौन होने चाहिए? बोर्ड के मेंबर होने चाहिए। सेकंड, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए मॉनिटरिंग करना। एंड तीसरा सिनेरियो, एप्लीकेबिलिटी अपने डिस्कस कर ली, और उनके प्रोसीजर होने चाहिए जो कि रिव्यू का काम होना चाहिए मेनली। ओके, बिजनेस में वो एंटर नहीं करेंगे, बिजनेस करने दो एमडी एंड अदर एग्जीक्यूटिव को, उनको खाली क्या करना है? रिव्यू। ओके, उसके बाद रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर,
क्वार्टरली कंप्लायंस स्टॉक एक्सचेंज को जाना चाहिए 15 दिन के अंदर. क्या क्या जाना चाहिए? जो भी मटेरियल ट्रांजेक्शन हुए ये साइन कौन करना चाहिए? सीईओ और जो भी होगा अथॉरिटी. एंड लास्ट पॉइंट, ये किधर डिस्क्लोज होना चाहिए? वेबसाइट. सब्सिडरी वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था. सब्सिडरी में अपन कौन से सब्सिडरी की बात कर रहे हैं? अनलिस्टेड सब्सिडरी. कौन सी बात कर रहे हैं? कौन सी सब्सिडरी? अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी. अनलिस्टेड मटेरियल. अगर सब्सिडरी लिस्टेड है तो डिस्कशन नहीं है. सब्सिडरी अगर अनलिस्टेड है तो डिस्कशन है. तो अनलिस्टेड सब्सिडरी में, अनलिस्टेड सब्सिडरी में मेरा बोर्ड का एक बंदा होना चाहिए, पर वो कौन सा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट. सेकंड, उधर जो मेरी ऑडिट कमेटी है उधर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करेगी. तीसरा सिनेरियो, मेरा बोर्ड का मेंबर, बोर्ड का मेंबर वो उनकी जो बोर्ड मीटिंग होगी उसके फाइनेंशियल जो भी होगा मीटिंग का बोर्ड मीटिंग को रिव्यू करेगा. अगर उनके शेयर मुझे बेचने हैं 50% के नीचे तो मुझे क्या पास करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन. एंड और एक, अगर उनके उस कंपनी में शेयर, उन कंपनी में 20% ऑफ एसेट बेचने हैं, उस कंपनी कौन सी है? मतलब सब्सिडरी में 20% का ऊपर का एसेट बेचना होगा तो मेरे कंपनी में भी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. ये रहेगा तेरे लिए सब्सिडरी का. एमडीए, एमडीए पंचायती मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं. एकदम पंचायती है. इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटी सेट्स क्या है, सेगमेंट वाइज है, आउटलुक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसे है, ये ओवरऑल चेक किया जाता है. एमडीए में तेरे को इससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट कवर किया जाता है. इट्स वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट और लेकिन बस सबसे बड़ा स्ट्रक्चर यही कि एनडी में होना चाहिए. और सीईओ कंप्लायंस सर्टिफिकेट देगा और ऑडिटर कंप्लायंस सर्टिफिकेट देगा. मेन सीईओ कंप्लायंस सर्टिफिकेट में क्या लिख के देगा तेरे को? चार चीजें. क्या चार चीजें लिख के देगा? कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी है वो अनट्रू नहीं है, कोई भी फ्रॉडेंट एक्टिविटीज नहीं हुई. तीसरा सिनेरियो ICOFR है और अगर कुछ फ्रॉड हुआ तो हमने किसको इंटीमेट किया है? ऑडिटर को. और ऑडिटर कंप्लायंस देगा, कंप्लायंस देगा. वो चौथे में ऑडिटर को इंटीमेट किया है ये याद रखना. फ्रॉड हुआ तो ऑडिटर को इंटीमेट किया हुआ है. तो ये कमिटी दे हैव इंडिकेटेड टू ऑडिटर्स एंड ऑडिट कमिटी. मिला क्या? एंड नेक्स्ट पॉइंट कंप्लायंस रहा तो कंप्लायंस में दो चीजें, कंप्लायंस सर्टिफिकेट देगा और हो सकता है एडवर्स और क्वालिफाइड इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर. आपको तीन चीजें देनी है. डायरेक्टर कौन से अपॉइंट किए हैं, कौन से रीअपॉइंट किए. दूसरा सिनेरियो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी करके फॉर्म्ड है. एंड लास्ट पॉइंट ट्रांसफर ट्रांसपोजिशन और ट्रांसमिशन कुछ दिक्कत आ रही है क्या है उसके बारे में हम लोग इसको टेक ओवर कर रहे हैं. ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर में जाएगा. एवरीबॉडी क्लियर मालिक? अरे हाय आना, यहां तक तेरा पॉइंट हो जाता विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट. एक टाइम आउट लेते हैं 10 मिनट का, उसके बाद चालू करता हूं मैं. तो विद रिस्पेक्ट टू सीए एक्ट सबसे पहले अपन बात करते हैं. पहला वाला पॉइंट आता है आपके लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिस एंड बिजनेस. पहला था पार्ट ए, अगर आपको याद है तो पार्ट ए में अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से पेज पे हो? पेज पे हो 261 पेज पे आ जाइए. पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर. ये कौन से प्रिंसिपल है? फंडामेंटल प्रिंसिपल. एवरी सीए नीड टू टेक केयर. सेकंड सिनेरियो आता है आपका पार्ट बी विच इज एप्लीकेबल टू प्रैक्टिस. इसमें दो चीजें हैं, थ्रेट्स एंड सेफगार्ड. थ्रेट में अपन क्या देखते हैं? पांच थ्रेट्स. कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स एंड फैमिलिटरी थ्रेट्स एंड इंटीमिडिएशन थ्रेट्स. और इसको फोकस करने के लिए अपने पास दो तरह के सेफगार्डिंग है. कौन से है? प्रोफेशनल रेगुलेशन वाले. एंड सेकंड पॉइंट है वर्क एनवायरमेंट. वर्क एनवायरमेंट में अपने एग्जांपल दिए हुए, वो आपको एग्जांपल रीड मानना है. वो पॉलिसीज होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होनी चाहिए. उसमें भी दो तरह की पॉलिसीज है, एक है फर्म वाइड पॉलिसी और इंगेजमेंट वाइड पॉलिसीज. ये दो पॉलिसीज पे फोकस करना होगा. ये दो होने के बाद पास था सेक्शन 8. उसके पहले अपने एक पढ़ा था सेक्शन 5 टाइप्स ऑफ मेंबर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेंबर्स आर देयर? दो, FCA एंड ACA. सेक्शन 8 डिसेबिलिटी ऑफ मेंबरशिप. कौन कौन नहीं हो सकता? एज लेस देन 21, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट लेकिन लेटर ऑफ कोर्ट लिया नहीं है कि मिसफॉर्च्यून से हुआ है. और उसके बाद और दो है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको दिया है क्या? ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट. एंड लास्ट पॉइंट सेट है वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है. एवरी क्लियर मालिक? ये होने के बाद आपके लिए आया सेक्शन 20. और एक है सेक्शन 20 में तेरा सिनारियो क्या है? तेरा रिमूवल ऑफ द नेम है. रिमूवल ऑफ नेम में क्या होगा? डेड हो गया. सेकंड, तूने एप्लीकेशन दिया, तूने फीस नहीं पे की या सेक्शन 8 की डिसेबिलिटी हुई. ये होने के बाद अपने लिए और एक सिनारियो था सेक्शन 20 रिस्टोरेशन. था रिस्टोरेशन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं. और एक है पेनल्टी फॉर सेक्शन 24. अगर तू सीए नहीं है और तू बता रहा सीए है, और तू सीओपी नहीं लिया और तू बता रहा सीओपी लिया है, तो 5000 1000 और आगे वापस कन्विक्शन है 5000 और 6 महीना. ये कांसेप्ट आपके लिए रहेगा. एंड वंस दिस इज डन, उसके बाद आया अपन मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस. मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस 22 में आया. चार चीजें आपने करनी चाहिए. कौन सी? प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड वेरिफिकेशन, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड सच अदर सर्विसेज, जिसको
अपन बोलते हैं मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके सर, कोई सीए है जो एम्प्लॉई है, सीए है जो एम्प्लॉई है और सीए फर्म में काम कर रहा है, ही विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस? आंसर इज यस, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्टिकल्स, उसके अलावा उसका काम कुछ काम नहीं होगा। सर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज की बहुत बड़ी लिस्ट अपन ने देखी, पर लिस्ट सारी रीड माननी नहीं है, मैंने आपको बता दिया, इग्नोर करो, लेकिन उसमें क्या क्या नहीं कर सकता वो याद रखो। सर मैं ब्रोकर नहीं बन सकता, मैं एडवाइजर बन सकता हूँ, ब्रोकर नहीं बन सकता, मैं अंडरराइटर नहीं बन सकता, और मैं क्या नहीं कर सकता, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। जब मैं ब्रोकर और एडवाइजर बोल रहा हूँ, इट इज ओनली फॉर इशू के लिए मैं नहीं बन सकता, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकता। ये पॉइंट आप दो चीजें ध्यान रखिए व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट। बाकी सारी चीजें, कैन आई बिकम ए लिक्विडेटर? आंसर इज यस, बट यू शुड नॉट हैव ए सैलरी, यू शुड बी ए प्रोफेशनल फीस। ओके, आप फुल टाइम बेसिस पे उधर नहीं हो सकते। ओके, दूसरा सिनेरियो, कंपनी शुड नॉट इंगेज इन प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी सेक्शन 25 में। ओके, नहीं होना चाहिए, एलएलपी हो सकती है, बाकी नहीं होना चाहिए, दैट इज ओनली सिनेरियो। इसके बाद अपन का ब्रांच अकाउंट के बारे में बात की थी, ब्रांच अकाउंट मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ओके, इस ब्रांच अकाउंट में अगर आपकी कोई सेपरेट ब्रांच है, ओके, तो आपको एक एडिशनल ओके मेंबर ऑफ सीए हु इज इन प्रैक्टिस वो रखना पड़ेगा, एंड ही शुड बी योर एम्प्लॉई और ही शुड बी योर ओके पार्टनर, एंड एम्प्लॉई शुड बी योर फुल टाइम एम्प्लॉई। ओके, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्शन मिलता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं एक पॉइंट, क्या अपने घर पे भी अपन अपना बोर्ड, नेम बोर्ड लगा सकते हैं? यस, लेकिन इट शुड नॉट बी नेम ऑफ द फर्म, यही पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें आपके दो एरिया, दो कॉन्सेप्ट है, एक है आपके हिली एरियाज के लिए एक्सेप्शन है, और एक है आपको एनी अदर केस के लिए एक्सेप्शन है। हिली एरियाज के लिए एक्सेम्पशन क्या क्या है आपका? सबसे पहला, टेम्पररी ऑफिस जो है वो कितने महीने के लिए खुला होना चाहिए? 3 महीने। सेकंड पॉइंट, रेगुलर ऑफिस क्लोज नहीं होना चाहिए, मैंने क्लोज का वो कॉन्सेप्ट समझाया था, लॉक मत पकड़ना, क्लोज का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। तीसरा पॉइंट, टेम्पररी ऑफिस के ऊपर नेम बोर्ड कितने महीने के लिए रहेगा? 3 महीने। लेटर हेड सब में नाम कौन सा होगा? रेगुलर ऑफिस का, और आईसी को जब भी ऑफिस खोलोगे तो आपको आईसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। और ये होने के बाद अदर केसेस में क्या था रे भाई? ओके, सेम प्रिमाइस में रहा तो चलेगा, सेम सिटी में रहा तो चलेगा। ओके, विद इन द 50 किलोमीटर्स ऑफ म्युनिसिपल लिमिट ऑफ वेयर फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड। ओके, चल जाएगा, आत्मा क्लियर है। और यहां पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए, सेकेंड ऑफिस ही बोला मैंने, मेंबर हो या फर्म हो, सेकेंड ऑफिस ही, सेकेंड ऑफिस ही, उसके बाद ऑफिस नहीं। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? ये वाले पॉइंट होने के बाद अपन गए थे नेक्स्ट वाले, इसमें दैट इज योर शेड्यूल। ओके, कितने शेड्यूल है अपने पास? दो, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में आपका कितने पार्ट है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और सेकंड शेड्यूल में कितना है? 3, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ओके, इसमें अपन ने क्लॉजेस अपने अपने हिसाब से देखे, मैंने आपको बताया। ओके, अब अपन चालू करते हैं क्लॉजेस के पॉइंट में। 1-1-1 कौन से रहेगा? इफ यू अलाउ टू प्रैक्टिस, अब मेरे एक एक क्वेश्चन का आंसर दे जाओ, कैन आई अलाउ टू प्रैक्टिस टू एनी अदर पर्सन? नो, एक्सेप्ट दो जन, कौन दो जन? अगर वो सीए इन प्रैक्टिस है और वो मेरा पार्टनर या मेरा एम्प्लॉय, उसको मैं अलाउड टू प्रैक्टिस कर सकता हूं। सेकंड, ओके, सेकंड 2-1-1, ओके, व्हेन आई विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, इफ आई क्या करता हूं, पे और एग्रीज टू पे, क्या ब्रोकरेज, शेयर, कमीशन, जो भी रहेगा। ओके, ये मैं पे किया तो आई एम गिल्टी, लेकिन मैं किसको किसको पे कर सकता हूं? मेरे को नाम चाहिए, मेंबर ऑफ आईसीआई, पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, लीगल, और उसके बाद और दो थे, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड स्पेसिफाइड क्वालिफाइड पर्सन। इसमें मैंने आपको बताया लीगल हेयर को देना है तो आपके एग्रीमेंट में होना जरूरी है, ये एग्रीमेंट में नहीं रहा तो दे नहीं सकते। दिस इज 2-1-1, 3-1-1 अगर अलाउ नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो 3-1-1 में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके भी एक्सक्लूजन वही है। ओके, 4-1-1 पार्टनरशिप एंटर नहीं कर सकते, सेम सिनेरियो। 5-1-1 सिक्योर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप दो जन से और सिक्योर कर सकते हो, किससे किससे सिक्योर कर सकते हो? ओके, एडिशनल पॉइंट देखो, मेंबर ऑफ आईसीआई से सिक्योर कर सकते हो, ओके, पार्टनर से सिक्योर कर सकते हो, ये लॉजिक क्लियर ही है, मेंबर ऑफ स्पेशल प्रोफेशनल बॉडी स्पेसिफाइड क्वालिफाइड पर्सन इनसे सिक्योर कर सकते हो, लेकिन आप किससे सिक्योर और एडिशनल कर सकते हो? अपने एम्प्लॉय से। अगर याद है तो मैंने बताया था एग्जांपल, हुली से मैं सिक्योर करूंगा लेकिन उसको कमीशन नहीं दे सकता, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो आई कैन सिक्योर फ्रॉम एम्प्लॉय एंड एनी मीन्स व्हिच आर ओपन टू सीए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। आत्मा क्लियर है? वंस दिस इज डन, दिस इज योर कौन सा पॉइंट? 5-1-1, ओके, सिक्योर। 6-1-1, 7-1-1, बहुत सारे पॉइंट अपने पढ़े। 6-1-1 में क्या नहीं कर सकता? सॉलिसिट। 7-1-1 में क्या नहीं कर सकता? प्रोफेशनल अटेंडमेंट। 6-1-1 में जब सॉलिसिट नहीं कर सकता तो आप दो चीज का एक्सप्लेनेशन लेते हो, एग्जेम्पशन लेते हो। सबसे पहला, मैं क्या कर सकता हूं? मैं किसी सीए इन प्रैक्टिस को सॉलिसिट कर सकता हूं। और दूसरा सिनेरियो, मैं क्या कर सकता हूं? टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। अब मेरे को बताओ, टेंडर को रिस्पॉन्ड करते हुए जब सॉलिसिट करूंगा तो मेरे को क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला, अगर ये टेंडर खाली एक्सक्लूसिव टू सीए है तो रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, मिनिमम फीस
मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब है, रिस्पॉन्ड करोगे। और अगर ये टेंडर फॉर ऑल अदर प्रोफेशनल है तो रिस्पॉन्ड करोगे, एवरी क्लियर मालिक। और उसके अलावा केसेस अपन ने देखे भाई, एडवर्टाइजमेंट करने के क्राइटेरिया क्या है, ओके। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन गाइडलाइंस ऑफ वेबसाइट, अगर आपको याद है तो। वेबसाइट के सिनेरियो में आपको याद रखना कलर कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वेबसाइट का नाम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉलिसिटिंग नहीं होना चाहिए, ओके। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें आप क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो, दो दे नहीं सकते, ये ध्यान रखना। सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन से मोड पे होनी चाहिए, पुल मोड, पुश मोड पे नहीं होनी चाहिए। और कौन सी इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकते, ये याद रखना, कौन सी इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकते, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, अनलेस अंटिल इट इज रिक्वायर्ड एज पर लॉ। ये पॉइंट आपको नोट रखना रहेगा, एवरी क्लियर मालिक। बाकी सब फोटोग्राफ चलेगा क्या मालिक, यस। कौन सा, पासपोर्ट साइज, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डाल सकता हूं, यस, लेकिन स्टेशनरी में नहीं आएगा, ये 7-1 में रहेगा, एवरी क्लियर मालिक, ओके। ये आपको नोट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू वेबसाइट। 8711 किसके लिए था, पर्सनल प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स, ओके। याद रखा ना, दोनों 611 71 कैसे मालूम पड़ेगा अपने को, 611 अगर मैं फर्म को सॉलिसिट कर रहा हूँ, 711 मैं अपने आपको कर रहा हूँ, यही पॉइंट आपको इससे आपको समझेगा 611 है या 711 है। 811 911 एनओसी नहीं दिया, 811 911 इज अबाउट 139 140 एंड 142 की रिक्वायरमेंट मैंने कंप्लाई नहीं की, एवरी क्लियर मालिक। यानी अपॉइंटमेंट अगर याद है, बोर्ड रिजोल्यूशन, ये पॉइंट क्या कि नहीं, इसमें सादा 5-4 पॉइंट है खाली, मैं एनओसी में डिस्कस करने के लिए वर्थ पॉइंट है। आरपीएडी रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ये से आना चाहिए, और हैंड रिटन एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग नहीं चलेगा। एनओसी कब चाहिए, पहले या एंगेजमेंट चालू करने के बाद, पहले एंगेजमेंट चालू नहीं करना है। शुड यू वेट फॉर गेटिंग द एनओसी का, यस। कितना रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम डिफाइन नहीं है, केस टू केस देखिए। अगर फीस अनडिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूटेड है, और फीस अनपेड है, ओके, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने का क्या, अनडिस्प्यूटेड है, अनपेड है, अनडिस्प्यूटेड फीस विच इज नॉट पेड, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने का क्या, नहीं। अरे क्या, अनडिस्प्यूटेड फीस है, अनडिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूटेड है, और वो अनपेड है, ओके, प्रीवियस ऑडिटर को, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने का क्या, नहीं। डिस्प्यूटेड है और है तो आप केस टू केस देखिए, अगर ओपिनियन क्वालिफाइड दिया था, केस टू केस देखिए, ओके। ये पॉइंट आपको डिफाइन किया हुआ है, दिस इज योर 811 एंड 911। 1011 क्या था मालिक, ओके, यू कैन चार्ज द फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑन कंटिंजेंट और प्रॉफिट विच इज आउटकम ऑफ द एंगेजमेंट। और ये पॉइंट पे अपन ने एक्सेप्शन पढ़े, एक्सेप्शन की लिस्ट अपने ध्यान रखने की, कौन सा, लिक्विडेटर चार्ज कर सकता है, याद है ना आइटम, लिक्विडेटर। दूसरा क्या था, ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक डायरेक्ट टैक्स वैल्यूअर, उसके अलावा और एक कौन सा था, प्रोजेक्ट फंडिंग, मतलब है ना बैंक से रेज करते फंड। नेक्स्ट दो पॉइंट आपके लिए थे, ओके, और एक कौन सा था, डेप्ट रिकवरी सर्विसेज एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड एनी अदर सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज में कंफ्यूज मत होना, वो बोला स्पेसिफाइड करेंगे तो, ओके, याद रखना। उसके बाद आया तेरे लिए 1111 में क्या होता है मालिक, ओके, यू आर इंगेजिंग योर सेल्फ इन टू अदर प्रोफेशन अदर देन सीए, लेकिन कैन आई बिकम ए डायरेक्टर, यस, बट यू शुड नॉट बिकम ए डायरेक्टर इन द कंपनी इन विच यू आर इंटरेस्टेड एज ए ऑडिटर, ओके, बट कैन यू बिकम एम डी, नो, लेकिन एमडी के लिए आपको क्या लगेगा, स्पेशल परमिशन। तो आपके दो क्राइटेरिया होंगे, जनरल परमिशन एंड स्पेशल परमिशन। अगर आप देखोगे जनरल परमिशन ऐसे है जो छोटे मोटे काम कर रहे होंगे, ओके, जिसमें आपको ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो रहा होगा, यू मे स्पेंड ए गुड टाइम ऑन योर प्रैक्टिसिंग पॉइंट, लेकिन जहां पर आप प्रैक्टिसिंग टाइम पे स्पेंड नहीं कर सकते हो या किसी और जगह ज्यादा टाइम जा रहा होगा, तो वो लोग कौन सी परमिशन बोलते हैं, स्पेशल। और उसके बाद है 1211, अगर आपको याद होगा, ओके, इफ आई एम परमिटिंग यू टू साइन, ओके, क्या, बैलेंस शीट एंड पीएनएल, कैन आई परमिट यू टू साइन फॉर एनी अदर रिपोर्ट, यस, जिसमें अपन क्या नहीं देते, ओपिनियन। ये हुआ तेरा पार्ट वन। पार्ट वन के बाद अगर आपको याद आया पार्ट टू, पार्ट टू में आपके दो क्लॉज देते हैं 121 एंड 221, अगर याद है ये नथिंग बट 211 एंड 311 है, ओके, खाली फर्क कितना है, ये एप्लीकेबल टू किसको है, सीए इन प्रैक्टिस, एवरी क्लियर मालिक। फिर आया पार्ट थ्री, पार्ट थ्री में क्या है, 131 231 एंड 331। 131 सीएफसीए नहीं है और एफसीए बता रहा है, 231, ओके, इंस्टीट्यूट ने कोई इंफॉर्मेशन मंगाई, तूने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और 311 611 और 711 में कोई इंफॉर्मेशन दी और तूने वो कौन सी दी, फॉल्स दी। एंड लास्ट पॉइंट है तेरे लिए पार्ट फोर, दैट इज योर 141 एंड 241। 141 में 6 महीने के नीचे की सजा, ओके, 6 महीने के नीचे की सजा, और 241 में डिसरिप्यूट, डिसरिप्यूट केस स्टडीज आपने पढ़ने चाहिए, बात खत्म, ओके। ये होने के बाद तेरे पास आया सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल में तेरे पास 10 क्लॉजेस है, आराम से, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला वन पहला पॉइंट है, पहला क्लॉज 112 सेकंड शेड्यूल में, 112 कौन सा है, डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और इट इज परमिटेड बाय क्लाइंट। उसके बाद आया 212, याद आया क्या मालिक, 212 यू साइन एनी रिपोर्ट विदाउट वेरीफाइंग, ओके, तू वेरीफाई नहीं किया, तेरा एम्प्लॉय नहीं किया, तेरा पार्टनर नहीं किया, या किसी और सीए ने नहीं किया, इस केस को अपने डिफाइन किया, लेकिन यहां पर खाली एक ही हाईलाइट करना था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 312, ओके, क्या था, तूने अपना नाम दिया है किसको, प्रोजेक्शंस को,
ओके फ्यूचर कंटिजेंसी पे जो रिपोर्ट बनाई है, तुम्हें क्या करना चाहिए, वाउच द एजम्पशन, यू कैन नॉट वाउच द एक्यूरेसी, ये आपको देख रहा था। 411 412 जिसमें तू सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और तूने उसमें क्या दिया, ओपिनियन दिया, ओके। एंड 512 इज अ मटेरियल फैक्ट बताया, तूने नहीं किया। 612 मटेरियल मिसस्टेटमेंट था और तूने नहीं किया। 712 ग्रॉस नेग्लिजेंस, ये तो कॉमन पॉइंट है। 812 सबसे इंपॉर्टेंट था जिसमें मैंने आपको समझाया था, बहुत ध्यान रखने लायक है। 812 में आपको क्या करना था, ओके, यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और द इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी थी, उसकी वजह से तेरा ओपिनियन क्या होना चाहिए, निगेट होना चाहिए था। ये दोनों सिनेरियो, आत्मा क्लियर है ना। और मैंने अगर आपको याद है तो एक मैगजीन के बारे में समझाया था, दोनों केसेस आपको ध्यान रखने हैं। मैगजीन का केस आप किधर डालोगे मालूम है, 312 में, ओके, 212 में वो नहीं होना चाहिए। 212 में क्यों नहीं आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और 812 में आप याद रखना सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन का, याद है ना, मैंने एग्जांपल दिया था, ओके, अगर याद नहीं है तो मैं बता दूं, ओके, अगर मैंने इन्वेंट्री चेक किए बिना इन्वेंट्री की रिपोर्ट पे साइन किया, ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट लिया और मैंने साइन कर दिया, याद है मालिक, वो कौन सा हुआ, 212, क्योंकि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिली, आत्मा क्लियर है, ओके। और उसके बाद दिया दूसरा सिनेरियो, मैंने क्या बोला था आपको, ओके, मैंने बिना रिव्यू किए किया, और दूसरा क्या बोला था, मैंने मैगजीन वाला था, मैगजीन वाला बोला मेरे को एक महीने में इतनी मैगजीन बिकी है ये बता दो, ओके, तो मैंने बोला ठीक है, मैंने कुछ चेक नहीं किया, उसने जितना बोला मैंने कर लिया, यहाँ पर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। 212 में क्यों नहीं आया था, क्योंकि वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं था, मैंने आपको ये समझा था, याद है मालिक एग्जांपल। और उसके बाद 912 में तेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके, तूने डिपार्चर फ्रॉम ऐसे किया लेकिन तूने बताया नहीं। और 1012, ओके, किसका पैसा है, क्लाइंट का, अदर देन तेरी फीस, और तूने किसमें रखना था, सेपरेट बैंक अकाउंट, और उस बैंक अकाउंट में तूने नहीं रखा, एडिक्ले मालिक। और ये होने के बाद तेरे पास आ गया, तेरे पास पार्ट टू में तेरे पास तो एकदम सिंपल है, ओके, ये तो मैंने तेरे को बोला कि भाई तू एज ए आर्टिकल यूज कर सकता है, ओके, 122, ओके, एनी प्रोविजन ऑफ इंस्टीट्यूट इज बिन कॉन्ट्रावेन, 122, हाँ 122, टू याद है ना मालिक, 122 कॉन्ट्रावेन ऑफ एनी प्रोविजन। उसके बाद तेरे पास आता है 222, क्या रहेगा 222 में, ओके, एम्प्लॉई है और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर की। 322 में क्या रहेगा, ओके, इंस्टीट्यूट ने कोई इन्फॉर्मेशन मंगाई और तूने क्या किया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी। और 422 में क्या रहेगा, एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स, ओके, कुछ किया है। एंड लास्ट वाला पॉइंट तो तेरे लिए एकदम क्लियर है, कितना है, 6 महीने से ज्यादा की सजा। कुछ नोटिफिकेशन अपने डिस्कस किया, नोटिफिकेशन का पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आत्मा क्लियर है, ओके, ये पॉइंट डिस्कशन पॉइंट में आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस सिनेरियो। आत्मा एनी डाउट क्लियर, प्रोफेशनल रिसीट का कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना, प्रोफेशनल रिसीट में कॉन्सेप्ट ये रहेगा, ओके, पक्का क्लियर है, ओके, मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, ये पॉइंट पर सिनेरियो रखता, ओके, अभी दो चीज रही अपनी, ओके, दो पॉइंट में क्या रहेगा, ओके, कर दो एंड कर दे इसको, एंड कर दे, ओके,